हेलो स्टूडेंट, तो आज डे 17 है। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स आपका दो पार्ट के अंदर रहेगा। पहला पार्ट, इसमें हम लोग कवर करेंगे प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर और स्नेल्स लॉ, मतलब रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस, ठीक है ना। और पार्ट टू के अंदर हम लोग अपना मेजर टास्क, जो कि ज़्यादातर नीट एग्जाम के अंदर 100% आता ही आता है, रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस, लेंसेस, और फिर जो बाकी बचा हुआ पोर्शन रहेगा वो सारा का सारा आपका पार्ट टू में रहेगा। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट वन। इसकी प्रैक्टिस आप प्रैक्टिस के क्वेश्चंस आपको कल मैं दूंगा, ठीक है ना, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर दूंगा आपको प्रैक्टिस करनी है। और टेस्ट जो आपका वीक जो संडे को रहेगा वो आपका एसएचएम, वेव, वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स, यानी ये पूरा मेजर पोर्शन आपका कवर करता हुआ संडे का टेस्ट रहेगा। तो चलो शुरू करते हैं। हम लोग पहले प्लेन मिरर में स्टार्ट करेंगे। प्लेन मिरर के अंदर हम लोग डेविएशन देखेंगे, ठीक है ना। डेविएशन के कुछ अच्छे सवाल मेरे पास है, मैं आपको दिखाता हूँ, जो जनरली आप या तो अटकते होगे या आप नहीं कर पाते होगे। तो पहला सवाल ही धमाकेदार है, इसमें कुछ भी ऐसे ऐसे नहीं है, सीधे एक ही कंसिस्टेंटली हम लोग चलेंगे और बढ़िया लेवल से हम लोग प्रॉब्लम खत्म करेंगे। हाँ, कुछ छोटा मोटा बेसिक फॉर्मूला बेस्ड सेक्शन है, जैसे नंबर ऑफ इमेजेस वगैरह, वो जैसे जैसे आता जाएगा हम लोग देखते जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो रे ऑप्टिक्स के अंदर अब सबसे पहले हमें नेट डेविएशन निकालना है। अब देखो, पहला सवाल ही धमाकेदार ले लिया मैंने उठा करके, और इसमें लाइट आकर के इधर टकरा रही है 25 डिग्री के एंगल पर, दो मिरर असेंबली हैं, दोनों के बीच का एंगल 50 डिग्री है, हमें नेट डेविएशन निकालना है। डेविएशन का मतलब होता है अपने ओरिजिनल पाथ से मुड़ना। अब यहाँ से जो लाइट चली है, ये लाइट यहाँ से अगले सरफेस की तरफ गई। अब जब भी आपको डेविएशन निकालना है तो लाइट को टकराते रहना है, टकराने पर उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है। अब यहाँ का अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालोगे तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप ये ट्रायंगल का यूज करोगे। तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, करने की जरूरत नहीं है। अगर लाइट मिरर असेंबली से बाहर जाती है तो बाहर जाने पर उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाता है, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये एंगल, मतलब जिस एंगल पर वो पहले टकराई है, या ऐसे बोलो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, प्लस दोनों मिरर के बीच का एंगल, मतलब मिरर के बीच का एंगल उसमें ऐड होता चला जाता है। ये प्रोसेस तब तक जारी रहता है जब तक एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू 90 डिग्री या उससे बड़ी नहीं हो जाए, क्योंकि कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री तो हो सकता है पर 90 से बड़ा नहीं हो सकता। अगर कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री है, इसका मतलब क्या निकला कि रे उसके सरफेस के पैरेलल हो गई, ठीक है ना, ग्रेस कर रही है, फिर वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी। अगर 90 से बड़ा है तो इस बात का मतलब है कि वो रे उस मिरर पे टकराएगी नहीं, यानी रे मिरर से तब तक टकराती रहेगी जब तक उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री से कम है। तो देखते हैं यहाँ का एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, ये निकालने का तरीका, इन दोनों को ऐड कर लो तो ये एंगल मिला 75। ये ध्यान रखना, आप कैलकुलेट करोगे, मेरे पास उनके अप्लाइड रिजल्ट्स रहते हैं। अब रे यहाँ से 75 डिग्री से बाहर निकली। अब हमें ये देखना है कि ये रे इस मिरर से टकराएगी या नहीं टकराएगी। चलो पहले आपको यही दिखाता हूँ कि ये डाउट कैसे क्लियर करते हैं कि रे जो है इस मिरर से टकराएगी। मान लो मैंने ले लिया, मैंने मान लिया कि ये रे इस मिरर से टकरा रही है, तो क्या गारंटी है टकराने की? तो जैसे मैंने अभी बताया, रे मिरर से तब तक टकराती रहेगी जब तक नेक्स्ट एंगल 90 डिग्री से छोटा रहेगा। तो अब आप नेक्स्ट एंगल निकालोगे, वो निकालने का तरीका 75 प्लस 50, जैसे ही आप इसको जोड़ोगे एंगल मिला 125, 90 से बड़ा हो गया, दैट मीन्स रे का अगले सरफेस से टकराना पॉसिबल नहीं है। तो रे फाइनली दो बार मिरर से टकराई और टकरा करके इधर निकल गई, और यहां पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया 75। अब हमें डेविएशन कैलकुलेट करना है। डेविएशन मतलब अपने ओरिजिनल पाथ से मुड़ना। तो लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से दो बार मुड़ी है, एक बार इधर जाते वक्त, ये लाइट का फर्स्ट डेविएशन है, और ये लाइट का सेकेंड डेविएशन है। जरा दोनों डेविएशन का सेंस चेक करो, ये डेविएशन जो है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है, और ये डेविएशन जो है वो क्लॉकवाइज सेंस में है। तो जब हम नेट डेविएशन लिखेंगे तो दोनों के सेंस अपोजिट हैं, तो ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, डिपेंडिंग ऑन द फैक्टर कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो पहले हम डेल वन निकालते हैं। डेल वन की वैल्यू होगी, बड़ी आसानी से निकलेगी, ये पूरा मतलब 180 माइनस 2i, 2i बोल लो या 2r बोल लो, बात एक ही सी है। तो डेल वन हो गया 180 माइनस 2i, दैट मीन्स 50, आंसर मिला 130, सेंस मिला एंटी क्लॉकवाइज। तो लाइट का फर्स्ट डेविएशन एंटी क्लॉकवाइज मिला। अब सेकंड डेविएशन की वैल्यू 180 माइनस 2i, 2i की वैल्यू हो गई 150, और डेल 2 के बीटा वैल्यू हमारे पास आ गई 30 डिग्री, ये आ गया क्लॉकवाइज। अब हम नेट डेविएशन निकालते हैं। तो अब बड़ा कौन है, डेल 1 है, और छोटा कौन है, डेल 2। तो नेट डेविएशन हो गया डेल 1 माइनस डेल 2, और इस नेट डेविएशन की वैल्यू हमारे पास आ गई 130 माइनस 30, 100 डिग्री, और सेंस जो ज़्यादा है उसके हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो प्रॉब्लम मैंने आपको कराया, ये वो प्रॉब्लम है जो जनरली हर तरीके की टेस्ट सीरीज के अंदर ज़रूर होता है, ठीक है ना। आप किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज अगर आपने ज्वाइन कर रखी होगी, या मेरे टेस्ट भी अगर आप दोगे
ये आपको हमेशा परेशान करता रहेगा तब तक जब तक आप इसके कंसेप्ट को नहीं जानते। तो फिर से एक पॉइंट में सुन लो, लाइट जब बाहर निकलेगी तो अगला एंगल ऑफ इंसिडेंस लिखने का तरीका है, जो भी पिछला एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसमें थीटा ऐड करते जाओ, तब तक टकराती रहेगी जब तक एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री से कम है। फिर नेट डेविएशन निकालना है तो एक एक डेविएशन चेक करो और ऐड करके नेट डेविएशन या सब्ट्रैक्ट करके नेट डेविएशन निकाल लो। अब चलते हैं उस सेक्शन पर जो जनरली बुक्स के अंदर होता है। अब बुक के अंदर ये वाला सेक्शन होता है, इसमें क्या होता है, लाइट दो बार टकराती है और टकरा करके निकल जाती है। बच्चे सिर्फ बुक के अंदर यही याद कर पाते हैं क्योंकि प्लेन मिरर की कितनी थ्योरी होती है, एक डेढ़ पन्ने की थ्योरी होती है, इससे ज़्यादा थ्योरी नहीं होती प्लेन मिरर की। बट प्लेन मिरर के अंदर सवाल बहुत सारे होते हैं, ठीक ना, हर जगह दिमाग लगाना पड़ता है। अब देखते चलो, तो अगर हम यहाँ का नेट डेविएशन निकालें टू रिफ्लेक्शंस का, और ये दोनों रिफ्लेक्शंस जो है ना सेम सेंस के हैं, ये बात नोट करना। अभी जो पिछला सवाल था उसमें एक एंटी क्लॉकवाइज था तो दूसरा क्लॉकवाइज था, तो वहां पर हमें क्या करना पड़ा था, ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ा था। चेक करो, डेल वन एंटी क्लॉकवाइज है, डेल टू भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो सेम सेंस का नेट डेविएशन है। और इसका वैल्यू कैलकुलेट करने पर ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला आप याद कर सकते हो, आंसर आता है 2π - 2θ। तो सेम सेंस का जब लाइट दो बार रिफ्लेक्ट करता है या दो बार डेविएट करता है तो उस नेट डेविएशन का फॉर्मूला है 2π - 2θ। तो मैं लिख दूं सेम सेंस, तो बोथ डेविएशंस आर इन सेम सेंस। अब आगे सुनो, नेट डेविएशन का मतलब क्या हुआ, नेट डेविएशन का मतलब हुआ लाइट फाइनली कितना मुड़ी। अब बहुत ध्यान से सुनना, लाइट ऐसे जा रही थी और यहां से लाइट इधर निकली है, तो लाइट इस तरीके से मुड़ी है। अब आप कहोगे सर इसी तरीके से क्यों लिया, ऐसे भी तो ले सकते थे। तो जरा आप चेक करो, ये जो डेविएशन है यानी लाइट की टर्निंग ऑफ पाथ है वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है, इसलिए ये जो नेट डेविएशन है वो यहां से यहां तक की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये नेट डेविएशन वो डेविएशन है जिस सेंस में लाइट घूम रही है, और इस नेट डेविएशन की वैल्यू हमारे पास आ रही है 2π - 2θ। अब इस पे जो बेस्ड प्रॉब्लम होता है वो फॉर्मूला और ज्योमेट्री का प्रॉब्लम होता है, मैं दिखाता हूँ कैसे हैंडल करते हैं, अच्छा प्रॉब्लम होता है, देखना। तो प्रॉब्लम ये, लाइट इज इंसिडेंटेड ऑन द फर्स्ट मिरर पैरेलल टू द सेकंड, तो ये फर्स्ट मिरर ले लेते हैं, ये सेकंड मिरर, लाइट फर्स्ट मिरर पे इंसिडेंट होती है, टकराते वक्त सेकंड मिरर के पैरेलल रहती है, एंड सेकंड मिरर से फाइनली रिफ्लेक्ट होती है। फाइनली रिफ्लेक्ट मतलब अब और वो रिफ्लेक्शन सफर नहीं कर रही, एंड लाइट गेट्स फाइनली रिफ्लेक्टेड फ्रॉम सेकंड मिरर पैरेलल टू द फर्स्ट मिरर, तो यहां से लाइट रिफ्लेक्ट होती है सेकेंड मिरर से पैरेलल टू द फर्स्ट मिरर, ये इन बिटवीन की रे हो गई। अब पता क्या करना है, देन द एंगल बिटवीन द टू मिरर्स, दोनों मिरर के बीच का एंगल कितना है। तो आप चेक करो, लाइट दो बार डेविएट हुई है, दोनों डेविएशन सेम सेंस में है, तो नेट डेविएशन की वैल्यू फॉर्मूले वाइज 2π - 2θ। अब देखना कैसे इसको एक लाइन में उड़ाते हैं, नेट डेविएशन का मतलब चेक करो, नेट डेविएशन का मतलब हुआ लाइट का अपने ओरिजिनल पाथ से मुड़ना, तो ये लाइट का ओरिजिनल पाथ था, यहां से लाइट इधर गई, दिस इज नेट डेविएशन। अब ध्यान से सुनना, ठीक, ये वाली चीज इस वाली चीज के पैरेलल है और ये वाली चीज इस वाली चीज के पैरेलल है, हमें निकालना है दोनों मिरर के बीच का एंगल थीटा। सिंस ये और ये पैरेलल है, यहां हम पैरेललिज्म की कंडीशन यूज करेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी, ध्यान से देखना, ये और ये पैरेलल है तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये और ये पैरेलल है तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया, दैट मींस ये एंगल हमारे पास थीटा आ गया। तो अगर हम यहाँ ज्योमेट्री से नेट डेविएशन निकालें तो ये ज्योमेट्री से नेट डेविएशन हो गया 180 + θ, और फॉर्मूले से हमने निकाला है तो विच इज 2π - 2θ, तो दोनों है तो एक ही चीज की वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हुए तो बराबर होने चाहिए। तो ज्योमेट्री से मिलने वाला नेट डेविएशन हो गया 180, इतना हो गया 180, साथ में और एड ऑन हुआ थीटा, तो नेट डेविएशन की वैल्यू ज्योमेट्री से हमारे पास आ गई π + θ। सिंप्लीफाई करते हैं तो इधर पाई आ गया, इधर 3θ आ गया, थीटा की वैल्यू हमारे पास π/3 आ गई, और फाइनली हमें पता चल गया कि दोनों मिरर के बीच का एंगल 60 डिग्री है। तो जब भी नेट डेविएशन का सवाल आता है ये 60 डिग्री वाला ही सवाल, पता नहीं क्यों ऐसा कॉमन है कि ये आया है आज तक तो यही आया है, इसके अलावा और कुछ आया नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप रट्टे मार लो, आपको मैंने कंसेप्ट सिखाया, अब आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रैक्टिस के प्रॉब्लम वो मिलने ही वाले हैं, आपको टेस्ट से मिलेंगे, उससे आप खूब जम के प्रैक्टिस कर लेना। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं, नेक्स्ट आता है फील्ड ऑफ व्यू का कंसेप्ट। फील्ड ऑफ व्यू क्या चीज होती है, तो ये हमने एक एक सेट रखा है, ठीक है ना, प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि हम ऑप्टिक्स बहुत बड़ी है, बहुत वास्ट है, इसको पढ़ने में 1.5-2 महीने तो नॉर्मल वीडियो लेक्चर और क्लासरूम प्रोग्राम में लगते हैं, ठीक है ना। मैंने अभी जब लास्ट में एक बार फिर से ऑप्टिक्स पढ़ाया था तो पूरा 1 महीना रोज की क्लास के हिसाब से लगा था। अब कैसे उसको कंप्रेस करना उसका तरीका ही यही है, एक एक प्रॉब्लम लेते हैं, फिर प्रैक्टिस के लिए मैं आपको टेस्ट सीरीज के प्रॉब्लम दूंगा, वो आप प्रैक्टिस करना, आपका इसमें जो है सवाल गलत नहीं होगा। अब देखते चलो, तो कैलकुलेट
एफओवी ऑन स्क्रीन। एफओवी का मतलब होता है फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू मतलब वो रीजन जहाँ से जहाँ तक हमें ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई देगी। कभी भी आपको फील्ड ऑफ व्यू निकालना है तो पहला काम आप इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाओ। प्लेन मिरर की क्या प्रॉपर्टी होती है, अगर ऑब्जेक्ट सामने है तो इमेज उतना डिस्टेंस पीछे बनेगी। तो मैंने इसकी इमेज को लोकेट किया। इमेज का डिस्टेंस यहाँ से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बराबर हो गया एल। अब इमेज कहाँ से कहाँ तक दिखाई देगी, इमेज वहाँ से वहाँ तक दिखाई देगी जहाँ से जहाँ तक रिफ्लेक्टेड रेज है। तो ये रे टकराई और इधर रिफ्लेक्ट होकर के गई, पीछे खींचने पर इमेज पर मिली। सिमिलरली ये रे यहाँ टकराई, इधर रिफ्लेक्ट होकर के गई, पीछे खींचने पर इमेज पर मिली। तो कुल मिलाकर के जितनी भी रेज होंगी वो इस रीजन के बीच में फॉल कर रही होंगी। तो ये वो रीजन है जिसमें रिफ्लेक्टेड रेज जा करके स्क्रीन के ऊपर फॉल कर रही हैं। अब कोई भी ऑब्जर्वर जब यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा तो उसको ऑब्जेक्ट की इमेज 100% दिखाई देगी, क्योंकि वो इन रेज को इंटरसेप्ट करेगा। तो एक ऑब्जर्वर ले लेते हैं और इसको इसके ऊपर मूव कराते हैं। तो जब ये यहाँ से यहाँ मूव करेगा तो कंटिन्यूसली ये रिफ्लेक्टेड रे को इंटरसेप्ट करेगा। और कहाँ से शुरू हो रहा है इसका मूव करना, F1 से, और कहाँ तक खत्म करेगा, F2 तक। तो F1 से F2 तक का ये रीजन इज कॉल्ड फील्ड ऑफ व्यू। अब बात आती है इसे निकाले कैसे। तो प्लेन मिरर के अंदर सिमेट्री बड़ा अच्छा काम करती है, सिमिलर ट्रायंगल बड़ा अच्छा काम करते हैं। मैं दिखाता हूँ कैसे। तो आप चेक करो एक ये चीज और एक ये चीज, ठीक है ना। तो IM1M2 और IF1F2 ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, क्योंकि ये चीज और ये चीज आपस में पैरेलल है। तो मैं यहां पर सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी सिखा रहा हूं आपको, आप देखते जाना। तो IF1F2 मतलब ये बड़ा वाला ट्रायंगल इज सिमिलर टू IM1M2 यानी छोटा वाला ट्रायंगल। अब अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं तो साइड के रेशियो आपस में बराबर होते हैं। तो एक तो वो साइड पकड़ लो जिसको हमें कैलकुलेट करना है। तो हमें ये वाली चीज कैलकुलेट करनी है। तो ये अपॉन ये मतलब y डिवाइडेड बाय l। साइड का रेशियो तो बराबर होता ही है, एल्टीट्यूड का भी रेशियो बराबर होता है। अब हमें ये नहीं पता ना कि ये कितना होगा, बट हमें एल्टीट्यूड तो पता है ना। तो हम लोग यहाँ एल्टीट्यूड का रेशियो लेते हुए चलेंगे। तो बड़े ट्रायंगल का एल्टीट्यूड हो गया 5, 6, 7 और छोटे ट्रायंगल का एल्टीट्यूड हो गया l। तो यहां से वन लाइन के अंदर हमारे पास फील्ड ऑफ व्यू की वैल्यू आ गई, विच इज वाई इक्वल्स टू 7L। तो फील्ड ऑफ व्यू निकालना बहुत आसान है। सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट की इमेज बनाओ, ठीक, और मिरर के कॉर्नर से दो डॉटेड रेस यानी रिफ्लेक्टेड रेस ले जाके स्क्रीन के ऊपर इंटरसेप्ट करा दो। अब अगर मिरर और स्क्रीन पैरेलल है तो आप सिमिलर ट्रायंगल यूज करते हुए फील्ड ऑफ व्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। एक सवाल और लेते हैं जिससे आपको दिमाग में ये सेट हो जाएगा। जैसे ये हमें मिरर दे रखा है, मिरर का डायमेंशन 2L, और यहां कहीं पर हमें ऑब्जेक्ट दे रखा है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहां से L, स्क्रीन यहां पर दे रखी है डिस्टेंस 3L, और हमें इस स्क्रीन पर फील्ड ऑफ व्यू पता करना है। तो पहले हमने इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाई, वो जस्ट इतना ही डिस्टेंस पीछे बन गई। अब रिफ्लेक्टेड रेस की बारी, रिफ्लेक्टेड रेस कहां से स्टार्ट होंगी, मिरर के एक कॉर्नर, और कहां तक जाएंगी, मिरर के दूसरे कॉर्नर। तो मिरर के एक कॉर्नर यानी ये वो जगह है जहां से ये इंसिडेंट गई और इधर टकरा करके रिफ्लेक्ट हुई, और जो भी ऑब्जर्वर होगा वो यहां से इमेज को देखना स्टार्ट करेगा। और कब तक टकराती रहेगी, F2 यानी ये वो पॉइंट है जहां तक रिफ्लेक्टेड रेस हम इंटरसेप्ट करेंगे। तो इतना रीजन, ये जो मैं ब्लू कलर से कट कर रहा हूं, ये रीजन हमारे लिए फील्ड ऑफ व्यू हो गया। अब आप चेक करो ये और ये आपस में पैरेलल है, तो सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा दो, ये डिस्टेंस हमारे पास एल हो गया। सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाएं तो वाई अपॉन 2L, ये तो हो गया साइड का रेशियो। अब आप एल्टीट्यूड का रेशियो ले लो, तो बड़े ट्रायंगल का एल्टीट्यूड, इसमें गलती होती है कई बच्चों से, वो एल्टीट्यूड में ये ले जाते हैं, अरे भाई बड़े ट्रायंगल का एल्टीट्यूड ये है, तो यहां से यहां तक का एल्टीट्यूड हो गया 3, 4, 5, 5L, और छोटे का एल्टीट्यूड हो गया L। तो यहां से देखो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 10L। तो इस प्रॉब्लम को अब आप मुश्किल नहीं कह सकते, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन का कंसेप्ट है, लगाओ और आंसर ले लो। अब चलते हैं हम नेक्स्ट कंसेप्ट पर। नेक्स्ट कंसेप्ट पर आता है नंबर ऑफ इमेजेस का। अच्छा, अब इसमें वो मिनिमम साइज ऑफ मिरर आता है कि कितना चाहिए होता है, तो आप आराम से देख भी सकते हो, आसान कंसेप्ट होता है, इसलिए मैंने यहां रखा नहीं है। तो मेरे पास दो पैरेलल प्लेन मिरर है, इनके बीच में एक ऑब्जेक्ट है, तो कितनी इमेजेस बनेंगी। तो जवाब है इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी, क्योंकि हर एक इमेज अगले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती चली जाएगी। तो ऐसे करते 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 रिफ्लेक्ट होते होते देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस जो फॉर्म होंगी। अब हमें क्या करना होता है, इसमें एक प्रॉब्लम अटेम्प्ट करना होता है कुछ इस तरीके का, कि हमें दो मिरर दे रखे होते हैं,
ठीक, और दोनों मिरर के बीच में समवेयर कहीं पर भी हो सकता है, बिल्कुल बीच में हो सकता है, कहीं इससे पास कहीं से दूर एक ऑब्जेक्ट लोकेटेड होता है। अब हमसे पूछी जाती है, देखो क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया, आउट ऑफ द फॉलोइंग एट विच पॉइंट इज द इमेज नॉट फॉर्म्ड इन मिरर ए, मिरर ए की इमेजेस इन में से किस पॉइंट पर फॉर्म नहीं होंगी। तो अब मिरर ए की पूछी, मैं तो सारे के सारे बताऊंगा, मिरर ए भी बता रहा हूँ मिरर बी भी बता रहा हूँ, तो इसका तरीका क्या होता है। तो आप सबसे पहले पहली पहली इमेज बनाओ, वो इमेज अगले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और यहाँ प्रॉपर्टी होती है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस, उस काम यहाँ यूज करते हैं। कैसे, तो आप इधर देखो, तो एक तरफ मिरर बी और एक तरफ मिरर ए, तो मिरर बी और मिरर ए की इमेजेस हम फर्स्ट इमेजेस फॉर्म करने जा रहे हैं। तो पहली इमेज मिरर बी की जो बनेगी वो 5 सेंटीमीटर पर बनेगी, मिरर ए की जो पहली इमेज बनेगी वो 15 सेंटीमीटर पर बनेगी। अब ये इमेज अगले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। अब इसमें क्या करो, आप मिरर के बीच का डिस्टेंस ऐड करते चले जाओ और अगली इमेज बनाते चले जाओ। तो दोनों मिरर के बीच का डिस्टेंस हो गया 20, तो अब इनमें 20 सेंटीमीटर ऐड करते हैं, तो इसमें 20 सेंटीमीटर ऐड करें तो हमें मिला 25, विच इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस हमारे पास एज इट इज आ गया 25, इसमें 20 ऐड करोगे तो बनेगा 35। फिर आगे चलते हैं और इसी तरह सक्सेसिवली मिरर के बीच का डिस्टेंस इनमें ऐड करते जाते हैं, तो ये मिल गया हमें 55 और इधर मिल गया हमें 45। तो ऐसे करते करते हमें कोई इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस नहीं, जहां तक हमारे ऑप्शंस चल रहे हैं वहां तक हमें चलना है। अब चेक करो, तो कौन कौन से, अच्छा मिरर ए की बात करी गई है, बी की नहीं बात करी गई है, फॉर्म्ड बाय मिरर ए, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। तो मिरर ए से बनने वाली इमेजेस जो है 15 पर है, यानी पहला ऑप्शन सही है, 25 पर है, 55 पर है, बट कौन से डिस्टेंस पर नहीं है, 45 पर नहीं है। तो मिरर ए की इमेज 45 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर नहीं बनेगी, हाँ मिरर बी की बनेगी, पर पूछा तो मिरर ए के बारे में जा रहा है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। तो मेरे ख्याल से आपको ये इमेज वाला तरीका समझ आ गया होगा, अब आप इसकी प्रैक्टिस टेस्ट में कर सकते हो। आसान सा था मेथड, कुछ खास नहीं है, सब जनरली सब बच्चों को आता ही, जिनको नहीं आता उन्होंने अब सीख लिया होगा। अब चलते हैं हम अगले पर। सिमिलर मैनर में इसको बोलते हैं काउंटिंग इमेज मेथड, जो कि हम इंक्लाइंड मिरर में यूज करते जाते हैं। तो जैसे अभी हमने मिरर के बीच का डिस्टेंस ऐड किया और नेक्स्ट इमेज बनाई, यहाँ पर दोनों मिरर के बीच का एंगल ऐड करते हैं और नेक्स्ट इमेज बनाते जाते हैं। तो सबसे पहले हम पहली पहली इमेज बना लेते हैं, और ये सारी की सारी इमेजेस एक सर्कल के ऊपर बनती हैं। अब एक बड़ी खास बात है, जब हम मिरर टू की इमेजेस बनाते जाएंगे तो इनका एंगल मिरर टू से बढ़ता जाएगा, बढ़ते 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 जब ये एंगल 180 या 180 से ज्यादा होने लग जाता है तो इमेज फॉर्मेशन बंद हो जाता है। कारण कारण ये कि ये जो ऑब्जेक्ट है रियल ऑब्जेक्ट है, प्लेन मिरर रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज कभी नहीं बनाता। अगर एंगल 180 से बड़ा आ गया तो इसका मतलब इमेज इसी साइड पर बनने लगी जिस साइड पर ऑब्जेक्ट है, तो ऐसी इमेज जो होगी फिर रियल बन जाएगी। तो प्लेन मिरर कैन नॉट फॉर्म इमेज रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज, देयरफॉर जो हम एंगल का फॉर्मेशन करेंगे, जो एंगल्स हम लेंगे वो 180 से छोटे होने चाहिए। 180 भी नहीं हो सकता क्योंकि ऑब्जेक्ट मिरर के ऊपर लाई नहीं कर रहा। तो कहां तक ले जाना है, जब तक एंगल 180 से छोटा है। अब ऐसे करते करते ये तो आपने मिरर नंबर 2 की इमेजेस फॉर्म करी, सिमिलरली मिरर नंबर 1 की इमेजेस फॉर्म करेंगे। अब ये जो इमेजेस बनेंगी लास्ट वाली, हो सकता है ये लास्ट वाली इमेजेस जो एक साथ बन रही हैं, जो 180 से छोटे एंगल वाली है, ये हो सकता है कोइंसाइड करें, हो सकता है कोइंसाइड ना करें। तो इसको चेक करने का तरीका क्या है, कोइंसाइड करने की प्रॉपर्टी क्या है। तो जब ये कोइंसाइड करेंगी तो इधर साइड से एंगल और इधर साइड से एंगल अगर हम जोड़ें तो कोइंसाइड करने पर 180 180 टोटल एंगल हो जाना चाहिए 360। मतलब इनका एंगल प्लस मिरर के बीच का एंगल मिला करके अगर 360 हो जाए तो ऐसे में कोइंसाइड कर रही हैं, और अगर नहीं हो तो कोइंसाइड नहीं कर रही हैं, ठीक है ना। अगर कोइंसाइड करेंगी तो दो इमेजेस ना गिन करके हम एक सिंगल इमेज गिनेंगे। अब ये बहुत सारी बातें मैंने बोली हैं, एग्जांपल से समझो। देखो जैसे दोनों मिरर के बीच का एंगल 70 डिग्री है और हमें पता करनी है कि कितनी इमेजेस इस सिचुएशन में फॉर्म होगी। ऑब्जेक्ट जो है अनसिमेट्रिकली लोकेटेड है, अनसिमेट्रिकली का मतलब एक से 40 डिग्री एक से 30 डिग्री पर लोकेटेड है। तो शुरू हो जाते हैं, मिरर वन मिरर टू, मिरर वन की पहली इमेज बनी, अब एंगल लिखते जाओ 30 डिग्री पर, मिरर टू की पहली इमेज बनी 40 डिग्री पर। अब क्या करना है, एंगल दोनों मिरर के बीच का ऐड करते चलना है। दोनों मिरर के बीच का एंगल 70 डिग्री ऐड करो तो ये बन गया 100 डिग्री, यहां पर आ गया 110 डिग्री, फिर 70 डिग्री तो ये बन गया हमारे पास 180,
बट 180 हम ले नहीं सकते, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि नहीं तो इमेज मिरर के ऊपर लाई करेगी, वो यहाँ पॉसिबल नहीं है। इसमें 70 ऐड करोगे तो 170, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। अब आप चेक करके देखो तो अपोजिट साइड पर सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज बन रही है, कोइंसाइड करने का कोई लफड़ा ही नहीं है। तो नंबर ऑफ इमेजेस आप काउंट करोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, तो टोटल 5 इमेजेस बन रही हैं और कोई भी किसी के साथ कोइंसाइड नहीं कर रही। तो कोइंसाइड तब करती जब यहाँ दो इमेजेस आती, फिर हम सबका एंगल जोड़ते और वो 360 मिलता। तो एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे दोनों मिरर के बीच का एंगल मैंने ले लिया 60 डिग्री और ऑब्जेक्ट को मैंने इस तरीके से रखा 20 डिग्री और इधर से 40 डिग्री, अगेन अनसिमेट्रिकली रखा। और अब मैं देखना चाह रहा हूं कितनी इमेजेस फॉर्म होंगी, कोइंसाइड करेंगी या नहीं करेंगी। तो चलो चेक करते हैं। तो एक तरफ मिरर वन आ गया, एक तरफ मिरर टू आ गया। मिरर वन की जो पहली इमेज बनी वो 40 डिग्री पर आ गई, मिरर टू की पहली इमेज 20 डिग्री पर आ गई। अब आप इनके बीच में मिरर का एंगल ऐड करते जाओ, विच इज 60 डिग्री, 60 डिग्री 40 डिग्री में ऐड किया तो 100 डिग्री, यहां पर आ गया 80 डिग्री, फिर 60 डिग्री ऐड किया 140 डिग्री और इधर 160 डिग्री। अब अगर हम 60 ऐड करेंगे तो ये 180 के ऊपर चला जाएगा, सिमिलरली ये भी 180 के ऊपर, यानी अगली इमेजेस का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब चेक करो अपोजिट साइड पर दो इमेजेस मिल रही हैं, एक का एंगल इस मिरर से 160 डिग्री पर है, एक का एंगल इस मिरर से 140 डिग्री पर है। तो अब हमें चेक करना पड़ेगा ये लास्ट इमेजेस कोइंसाइड कर रही हैं या नहीं कर रही। तो इनका एंगल प्लस दोनों मिरर के बीच का एंगल अगर हम ऐड करें और अगर ये 360 के बराबर आ गया तो कोइंसाइड करेंगी, बराबर नहीं आया तो नहीं करेंगी। तो ऐड करने पर आपको मिला 160 प्लस 140 300 हो गया, दैट मींस इन तीनों का सम 360 के बराबर हो गया, दैट मींस इमेजेस कोइंसाइड्स विद ईच अदर। तो इमेजेस क्या कर रही हैं, कोइंसाइड कर रही हैं। तो अब अगर आप नंबर ऑफ इमेजेस काउंट करोगे तो नंबर ऑफ इमेजेस जो हमारे पास आ गई इनकी वैल्यू अब आप चेक करके देखो, 1, 2, 3, 4 और ये 5, 6 नहीं है, ये सिर्फ एक इमेज काउंट करी जाएगी 5। तो नंबर ऑफ इमेजेस की वैल्यू हमारे पास आ गई 5 और हम ये कह सकते हैं अपोजिट साइड वाली इमेज जो है वो क्या कर रही है, कोइंसाइड कर रही है। तो मेरे ख्याल से आपको काउंटिंग इमेज मेथड समझ आ गया होगा। इस तरीके से करके आप कभी भी सवाल को गलत नहीं करोगे, 100% आपका सवाल इमेज करेक्शन का, इमेज काउंटिंग का सही जाएगा। अब आता है फॉर्मूला मेथड। तो हम जनरली फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, फॉर्मूले का अपना एक लिमिटेशन है, ठीक है ना। वो लिमिटेशन क्या है कि फॉर्मूला ये कहता है अगर दो मिरर थीटा के एंगल पर है तो सबसे पहले आप नंबर ऑफ पार्ट्स निकालो, कि नंबर ऑफ पार्ट किस चीज के, कि ये जो दो मिरर हैं सर्कल को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है। वो निकालने का तरीका हो गया 360 बाय थीटा, इसे हमने एन नाम दे दिया। अब सवाल तीन आते हैं, या तो ये एन इवन होगा या ऑड होगा या फ्रैक्शन में होगा। अगर इवन है तो नंबर ऑफ इमेजेस हमारे पास एन माइनस वन हो जाएंगी, इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली है या अनसिमेट्रिकली लोकेटेड है, तो आप इसे डायरेक्ट निकाल सकते हो। बट अगर एन ऑड है तो ऐसे में नंबर ऑफ इमेजेस एन माइनस वन भी हो सकती हैं और नंबर ऑफ इमेजेस एन भी हो सकती हैं। एन तब होंगी जब ऑब्जेक्ट अनसिमेट्रिक होगा, एन माइनस वन तब होगी जब ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली लोकेटेड होगा। अगर एन फ्रैक्शन में आता है, डेसिमल में आता है, तो ऐसे में ये मेथड मत लगाओ, काउंटिंग इमेज मेथड से आप सवाल सॉल्व करो, आपका 100% सवाल सही होगा। क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक है या अनसिमेट्रिक है, तो हम अनसिमेट्रिक लेते हुए चलेंगे, ये कन्वेंशन होता है। सिमेट्रिक लेते हुए तभी चलना है जब क्वेश्चन में मेंशनड हो, तो ये भी पॉइंट आप ध्यान रखना। तो फॉर्मूले से भी आप पता कर सकते हो कि कितनी इमेजेस बनेंगी। जैसे जैसे एग्जाम्पल ले लो, अब इस एग्जाम्पल में अगर हम काउंटिंग इमेज मेथड लगाएं तो आंसू निकल आएंगे, ठीक है ना, और निकलते निकलते बेचारे सूख भी जाएंगे, पर आंसर नहीं आएगा क्योंकि दोनों मिरर के बीच का एंगल मैंने बहुत छोटा कर दिया। अब ऐसे सिचुएशन में अगर मैं इमेजेस काउंट करवाऊं आपसे तो आप काउंट करते 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 180 तक जाते जाते रो दोगे, ठीक है ना, बहुत सारी इमेजेस यहाँ फॉर्मूला काम आ जाएगा। तो हम एन की वैल्यू निकालते हैं, विच इज 360 बाय 10, तो 36 पार्ट्स आए। अब नंबर ऑफ इमेजेस देखते हैं, अब हमें तो नहीं दिया कि ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक है या अनसिमेट्रिक है, तो जरा चेक करो एन की वैल्यू इवन आ रही है तो फर्क ही नहीं पड़ रहा कि सिमेट्रिक है या अनसिमेट्रिक है। नंबर ऑफ इमेजेस दोनों ही सिचुएशनों में कितनी रहेंगी, एन माइनस वन, यानी 35 इमेजेस का फॉर्मेशन होगा,
ठीक है ना। हाँ, इससे ये तो बता सकते हैं कितनी इमेजेस बनेंगी, बट ये नहीं बता सकते कहाँ कहाँ बनेंगी। तो काउंटिंग इमेज मेथड का जो स्कोप है वो वास्ट है, क्योंकि वो पूरा बताता है कि इमेजेस कहाँ कहाँ कितने कितने एंगल पर बनेंगी, ये सिर्फ बताता है कितनी इमेजेस बनेंगी। तो आई थिंक अब आपको प्रोसेस समझ आ गया होगा कि किस तरीके से करके दोनों मेथड्स को अप्लाई किया जाता है। अब चलते हैं अगले कंसेप्ट पर। अगला आता है रिलेटिव मोशन। तो रिलेटिव मोशन इन प्लेन मिरर, इसका जो आप सीक्वेंस सीखोगे वही सेम सीक्वेंस मैं लगाता हूँ अपना स्फेरिकल मिरर में, एज इट इज मैं लगाता हूँ लेंसेज के अंदर। तो ध्यान से सुनना, अब एक ऑब्जेक्ट है जो मिरर के सामने है, वो या तो टेढ़ा भाग रहा होगा या चुपचाप शराफत के साथ बिल्कुल सीधा चल रहा होगा। तो हमेशा ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर लो, एक मिरर के पैरेलल और एक मिरर के परपेंडिकुलर। पैरेलल कौन? तो जैसे आप बोर्ड को मिरर ले लो, ठीक ना, मिरर कोई लाइन बनाने से तो बनेगा नहीं। पैरेलल कौन है, ठीक है ना, एक बार इसका जरा ऑब्जर्वेशन करो, आपका दिमाग खुलेगा। तो ये जो बोर्ड का प्लेन है, ठीक है ना, जैसे मान लो मेरी फिंगर को आप ऑब्जेक्ट ले लो, इस तरीके से ऑब्जेक्ट चल रहा है, पहले जस्टिफाई करो, पैरेलल चल रहा है परपेंडिकुलर चल रहा है? तो सब बोलोगे सर पैरेलल ही चल रहा है, ऐसे चल रहा है पैरेलल चल रहा है, ऐसे चल रहा है ये भी पैरेलल है, ठीक है ना। देयर आर इनफिनाइट तरीके जिससे ऑब्जेक्ट पैरेलल चल रहा है। तो एक मिरर के पैरेलल हर एक चीज जो उसके प्लेन के पैरेलल है, वो हर चीज उसके पैरेलल है, ठीक है ना। बट परपेंडिकुलर वाला एक ही तरीके से हो सकता है, वो ये हो सकता है। तो मिरर में पैरेलल चीजें तो इनफाइनाइट हो सकती हैं, बट परपेंडिकुलर वाली चीजें फाइनाइट होती हैं। अब जैसे मान लो किसी ने बोल दिया कि मिरर एक्स वाई प्लेन में है, तो ये बोल करके उसने ये बता दिया कि एक्स और वाई प्लेन वाली सारी चीजें मिरर के पैरेलल हैं और जेड वाली चीज मिरर के परपेंडिकुलर है। तो इसमें हमेशा ये आइडेंटिफाई हमें करते रहना होता है कि कौन सी चीज पैरेलल चल रही है, कौन सी चीज परपेंडिकुलर है। तो कुल मिला के हमने ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के कंपोनेंट ले लिए, एक पैरेलल डायरेक्शन में और एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अब प्रोसेस ये है, इमेज जो होती है वो हमेशा ऑब्जेक्ट के सामने ही रहेगी, ठीक है ना। ये नहीं होगा कि ऑब्जेक्ट वहां चला गया, इमेज यहाँ अपना चाय नाश्ता करने निकल गई। तो इमेज जो होगी वो ऑब्जेक्ट के हमेशा सामने मिलेगी, अपोजिट साइड पर मिलेगी। अब अगर ऑब्जेक्ट मिरर के पास जा रहा है तो इमेज भी मिरर के पास आएगी, दोनों का डिस्टेंस सेम होगा इसलिए दोनों की स्पीड सेम होगी, बट डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो इमेज की वेलोसिटी होती है वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की अपोजिट होती है। तो जब भी आपको इमेज की वेलोसिटी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकालनी है तो मैं एक शब्द बोलूंगा, वो यूज करना है, उस शब्द का नाम है SRT। SRT मतलब साइन रिवर्स टेक्निक, यानी आप ऑब्जेक्ट की परपेंडिकुलर वेलोसिटी का साइन रिवर्स कर दो, आपको इमेज की परपेंडिकुलर वेलोसिटी का साइन मिल जाएगा। सिमिलरली पैरेलल वेलोसिटी चेक करोगे तो वो एज इट इज रहती है, मैग्नीट्यूड भी सेम, साइन भी सेम। तो दिमाग सेट करो, परपेंडिकुलर वाले का ही सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज होता है, पैरेलल वाला एज इट इज रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते। इन सब चीजों को करने से पहले एक और चीज दिमाग में रखना, मिरर मस्ट बी एट रेस्ट, मिरर मूविंग नहीं होना चाहिए। अगर मिरर मूविंग है तो आपको मिरर को रेस्ट पे लाना पड़ेगा, मतलब पहले रिलेटिव ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। इन सब के सवाल मैंने रखे हैं, मैं भी दिखाता हूं, देखो। तो तरीका ये, अगर मिरर चल रहा है तो सबसे पहले आप मिरर के ऊपर से ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करो और आप VOM कैलकुलेट करो। VOM का मतलब हो गया वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, वो आसानी से निकाल लोगे। और VOM निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, VO माइनस VM लगाना। ये मैं सवाल करूंगा तो आपको प्रोसेस समझ आ जाएगा। अब आप VIM निकालो, यानी इमेज की वेलोसिटी निकालो, और मैंने शॉर्टकट लिख दिया SRT से निकालो। SRT मतलब साइन रिवर्स टेक्निक, किसका साइन रिवर्स? परपेंडिकुलर वाले का। अब आप ग्राउंड से इमेज निकालोगे, ये निकालने के लिए फिर रिलेटिव मोशन का फॉर्मूला यूज करोगे, क्योंकि आप VIM निकाल चुके हो। तो VIM इक्वल्स टू VI माइनस VM, यहां से VI की वैल्यू आ गई VIM प्लस VM। फिर आपको मान लो कहता है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट निकालना है, तो आपको VIO निकालना है। फिर रिलेटिव का फॉर्मूला हर जगह वेक्टर चलता ही रहेगा, ठीक है ना, बिना मैंने लिखा नहीं है तो ये अंडरस्टूड है, वेक्टर लगेगा ही लगेगा। VIO हो गया VI माइनस VO। तो आप इस तरीके से करके इमेज की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट निकाल सकते हो। देखने सुनने में प्रोसेस बुरा लग रहा है, बट सवाल करने में सिर्फ और सिर्फ एक एक स्टेप का, सिंगल स्टेप का प्रोसेस होगा। मैं प्रॉब्लम दिखाता हूँ। तो देखो, ऑब्जेक्ट जो है 8√2 मीटर पर सेकंड से ऐसे चल रहा है 45 डिग्री के एंगल पर, और हमें पता करनी है वही चारों चीज़ें जो सीक्वेंस बना के हमसे पूछी जाती हैं। एग्जामिनर क्या करेगा पता है? एग्जामिनर ये चीज़ पूछेगा, ये पूछ के उसने सब पूछ लिया आपसे, क्योंकि ये तब आएगा जब ये आएगा, ये तब आएगा जब ये आएगा। तो इसलिए सीक्वेंस बना करके इसमें चलना बहुत ज़रूरी है। तो चीज़ें दिमाग में सेट करो, पहले VOM निकालोगे, फिर VIM निकालोगे, फिर VI निकालोगे, फिर VIO निकालोगे। अब एक बार आप प्रैक्टिस करो साथ साथ मेरे, ठीक है ना, आंसर भी बताते जाओ, मैं चेक करते जाऊंगा कैसे करके क्या चल रहा है। तो आप इसमें सबसे पहला काम इनके कंपोनेंट्स कर लो और इनको वेक्टर फॉर्म में लिख लो। तो मैं ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं,
एट रूट टू का इधर कंपोनेंट, एट रूट टू कॉस 45, कॉस 45 से रूट टू गया तो 8 मीटर पर सेकेंड, और एक कंपोनेंट इधर आ गया 8 मीटर पर सेकेंड। तो वी ओ की वैल्यू हो गई मेरे पास 8i कैप प्लस 8j कैप। वी एम ये तो बेचारा शराफत से चल रहा है, इसके साथ तो आप लगा दो डायरेक्ट 2i कैप। अब प्रोसेस स्टार्ट होता है, हम इमेज को तब तक नहीं लोकेट कर सकते जब तक मिरर रेस्ट पर ना हो, यानी हमें वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर निकालना पड़ेगा, मतलब मिरर पे बैठ के हमें ऑब्जेक्ट को देखना पड़ेगा। वी ओ एम निकालने का हमारा तरीका हो गया वी ओ माइनस वी एम। अब चेक करते जाओ, सिर्फ एक एक स्टेप का प्रोसेस है, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, आंसर आ गया 6i कैप 8j कैप। तो ये मेरे पास वी ओ एम का वैल्यू हो गया। दूसरी स्टेप अब हम लिखने जा रहे हैं वी आई एम, यही मेन स्टेप है, इसे लिखने के लिए बस थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना है, और कंसेप्ट है एसआरटी। तो वी आई एम की वैल्यू अब हम लिखने जा रहे हैं, और इसे लिखने के लिए अब हम एसआरटी लगाएंगे, साइन रिवर्स टेक्निक। तो परपेंडिकुलर वाले का साइन रिवर्स, अब परपेंडिकुलर कौन है, ये वाली लाइन है यानी एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस वाले का साइन रिवर्स कर दो, माइनस 6i कैप प्लस 8j कैप। अब थर्ड स्टेप वो बेसिक रिलेटिव मोशन के फॉर्मूले, आपको वी आई निकालना है, तो वी आई की वैल्यू हो गई वी आई एम प्लस वी एम, ये रिलेटिव मोशन से मैंने डायरेक्ट लिख दिया। वी आई एम प्लस वी एम करोगे तो वी आई एम ये रहा, वी एम ये रहा, दोनों को बस खाली ऐड करना है, आंसर संभाल के लिखना, माइनस 4i कैप प्लस 8j कैप। तो मतलब जो जो एग्जामिनर आपसे पूछना चाहता है आप सब चीज सिर्फ और सिर्फ मेरे इस मेथड से बता सकते हो, और आपका रिलेटिव मोशन इन प्लेन मिरर आराम से उड़ा करके रख सकते हो। तो ये एक स्पेशल टेक्निक थी। अब देखना आगे वी आई ओ चाहिए हमें, तो वी आई ओ की अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो ये हो गया वी आई माइनस वी ओ, और वी आई ये रहा, वी ओ का वैल्यू हमारे पास ये रहा, बड़े संभाल के माइनस करना है, जैसे ही आप इसमें से इसको माइनस करोगे 8j कैप कट जाएगा, आंसर आ जाएगा -12i कैप। तो फाइनली वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट मेरे पास आ गई 12 मीटर पर सेकेंड, माइनस साइन दिखा रहा है लेफ्ट साइड की तरफ, यानी इमेज इधर साइड की तरफ जा रही होगी विद रिस्पेक्ट टू जब हम उसे ऑब्जेक्ट से बैठ करके देखेंगे। तो ये था प्रॉब्लम जिस बेसिस पर आप सवाल को रिलेटिव मोशन के कर सकते हो। एक और मैं दिखाता हूं, अब जैसे मैंने क्वेश्चन दे दिया मिरर इज इन एक्स वाई प्लेन, और मैंने इंस्टेड ऑफ गिविंग मिरर मैंने उसका प्लेन डिफाइन कर दिया कि वो एक्स वाई प्लेन में है। तो अब ये तय हो गया एक्स और वाई वाली चीज है पैरेलल हो गई, और जेड वाली चीज परपेंडिकुलर हो गई। अच्छा, और मैंने कोई कंपोनेंट करने को नहीं बोले, मैंने सीधे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दिया आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। वेलोसिटी ऑफ मिरर भी मैंने दिया माइनस आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। अब मेरे चारों प्रॉब्लम वही सेम है, कैलकुलेट वी ओ एम, नेक्स्ट कैलकुलेट वी आई एम, नेक्स्ट कैलकुलेट वी आई, और लास्ट कैलकुलेट वी आई। तो ये सवाल भी अच्छा सवाल माना जाता है, ठीक है ना, और आप इसको किसी भी मतलब ALP बोल सकते हो, एडवांस लेवल प्रॉब्लम बोल सकते हो, बट कंसेप्ट आता है तो कुछ एडवांस लेवल नहीं होता, सब नॉर्मल लेवल ही होता है हमारे लिए। अब चलो सॉल्व करते हैं इसको। पहला काम तो बड़ा आसान है, वी ओ एम लिखना है, और ये लिखने का सीक्वेंस अपना यही रखना, हमेशा सवाल इसी सीक्वेंस में करना, कभी गलत नहीं होगा। तो वी ओ एम लिखने का हमारा तरीका हो गया वी ओ माइनस वी एम, इसमें से इसे माइनस किया तो ये माइनस होने की जगह प्लस हो गया, रिजल्ट बताते जाओ 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। तो ये मेरे पास आ गया वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। अब आते हैं हम दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, स्टार बनाओ ताकि आपको बाद में याद रहे कि आप क्या करने वाले हो। तो वी आई एम लिखते हैं, इसे लिखने के लिए हम एसआरटी यूज करेंगे, साइन रिवर्स टेक्निक यूज करेंगे। किसका साइन रिवर्स करेंगे, जो परपेंडिकुलर होगा। कौन है परपेंडिकुलर, एक्स वाई में तो मिरर है तो जेड उसका परपेंडिकुलर है, यानी आपको साइन इसका रिवर्स करना है, अच्छी तरह दिमाग में सेट कर लो। तो फाइनल रिजल्ट आया 2i प्लस 3j प्लस k कैप, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। बस ये स्टेप संभाल के लिखनी होती है, उसके बाद तो आसान है। फिर आपको वी आई का वैल्यू चाहिए, और वी आई का वैल्यू हो गया वी आई एम प्लस वी एम। वी आई एम प्लस वी एम करने पर हमारे पास रिजल्ट आ गया। इसमें अब हमें कुछ खास नहीं करना, वी एम की वैल्यू को ऐड करना है, आई थिंक अब मैं इसको छोड़ सकता हूँ, आप अपने आप कर लेना। और लास्ट स्टेप वी आई ओ का वैल्यू आपको निकालना है, ये भी आप अपना कैलकुलेट करके चेक कर लेना, मेरे को बता देना कितना आंसर आपका आ रहा है। तो मेरे ख्याल से अब आपको प्लेन मिरर में रिलेटिव मोशन आ गया, डेविएशन आ गया, ठीक है ना, और आपको नंबर ऑफ इमेजेस आ गई, ठीक है ना, काउंटिंग इमेज मेथड आ गया। अब मैं आपको सिखाता हूँ फिर से एक और ALP यानी एडवांस लेवल की चीज़, कि जब हम मिरर और इंसिडेंट रे को रोटेट करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है रिफ्लेक्टेड रे के ऊपर। तो इसका अब खैर वीडियो लेक्चर्स और क्लासरूम के अंदर जब ये चलता है तो फुल डिटेल में चलता है, अभी मैं कंप्रेस्ड रिजल्ट दे रहा हूँ ताकि आप सवाल तो लगा पाओ।
तो जब हम इंसिडेंट और इंसिडेंट रे और मिरर को रोटेट करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? देखो, इंसिडेंट रे के रोटेट करने का ये फर्क पड़ता है, जिस स्पीड से इंसिडेंट रे घूमती है उसी स्पीड से रिफ्लेक्टेड रे घूमती है, बस डायरेक्शन अपोजिट रहता है। तो अगर इंसिडेंट रे क्लॉकवाइज घूम रही है तो रिफ्लेक्टेड रे सेम स्पीड से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी। तो ये पहला स्टेप है जो आपको दिमाग में रखना है कि इंसिडेंट रे जिस स्पीड से घूमती है उसकी सेम स्पीड से रिफ्लेक्टेड रे घूमती है, बट दोनों के सेंस अपोजिट रहते हैं। मिरर का क्या फर्क पड़ता है? मिरर जिस स्पीड से घुमाते हैं या जितने एंगल से घुमाते हैं उसके डबल एंगल या डबल स्पीड से रिफ्लेक्टेड रे घूमती है और सेम सेंस में घूमती है। तो दोनों के बारे में अच्छी तरह दिमाग में सेट कर लो। इंसिडेंट रे का क्या फर्क पड़ा? इंसिडेंट रे जिस स्पीड से घूमी सेम स्पीड से रिफ्लेक्टेड रे घूमी, बट सेंस अपोजिट, ठीक है ना। मिरर का क्या फर्क पड़ा? जिस स्पीड से मिरर घूमा उसके डबल स्पीड से रिफ्लेक्टेड रे घूमी, बट सेंस कैसा रहा? सेम सेंस। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का सवाल कैसे हैंडल करते हैं। तो देखना, फाइंड आउट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। अब चेक करो, सबसे पहले इंसिडेंट रे घूम रही है ओमेगा आई से और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूम रही है। तो अब इंसिडेंट वाले का अगर आप कंट्रीब्यूशन देखोगे तो रिफ्लेक्टेड रे की वेलोसिटी ओमेगा आई रहेगी, ठीक है ना, बट इसका सेंस चेंज हो जाएगा और ये सेंस हो जाएगा क्लॉकवाइज, मैग्नीट्यूड एज इट इज रहेगा। अब आपको सर आपने प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया, वो मैं आगे लगाऊंगा जब मैं ये देख लूंगा दोनों के सेंस कैसे हैं। अगर सेम मिले तो ऐड कर देंगे, अपोजिट मिले तो ज्यादा कम करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब मिरर का देखें, मिरर ओमेगा एम से घूम रहा है, क्लॉकवाइज सेंस में घूम रहा है, तो रिफ्लेक्टेड रे ट्वाइस ओमेगा एम से घूमेगी और क्लॉकवाइज सेंस में घूमेगी। तो दोनों सेंस हमें सेम मिल रहे हैं इसलिए नेट वेलोसिटी जो होगी वो ऐड हो जाएगी। इस तरीके से आप एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे निकाल सकते हो। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये रहा एग्जाम्पल, कहता है इंसिडेंट रे को हम 2 रेडियन पर सेकंड से घुमा रहे हैं, मिरर को 4 रेडियन पर सेकंड से घुमा रहे हैं, रिफ्लेक्टेड रे किस वेलोसिटी से घूमेगी? तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, पहले इंसिडेंट का लिखते हैं, मैग्नीट्यूड तो सेम जाएगा यानी 2 रेडियन पर सेकंड ही रहेगा। सेंस सही से लिखना, अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। अब मिरर का कंट्रीब्यूशन देखते हैं, मिरर जिस स्पीड से घूम रहा है रिफ्लेक्टेड रे उसके डबल स्पीड से घूमेगी, मतलब 8 रेडियन पर सेकंड, सेंस सेम रहेगा यानी क्लॉकवाइज। अब चेक करो बेटा, दोनों सेंस हमें मिल रहे हैं अपोजिट, कौन ज्यादा मिल रहा है कौन कम मिल रहा है? क्लॉकवाइज वाला ज्यादा मैग्नीट्यूड का, एंटी क्लॉकवाइज कम है। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे हमारे पास आ गई, इनमें से इसमें से इसको माइनस कर देते हैं तो 6 रेडियन पर सेकंड, और क्योंकि ये ज्यादा है इसलिए सेंस हमें मिला क्लॉकवाइज। तो ये तरीका रहा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे को निकालने का। मेरे ख्याल से अब ये आपको शायद ज्यादातर बच्चों को नहीं पता होता कैसे करके इसको मैनेज करते हैं, तो कोटा में भी पढ़ाते हैं तो वो थोड़ा सा बौखला जाते हैं कि यार ये कौन सी नई चीज पढ़ा दी। तो आई थिंक ये नया सेक्शन आपको समझ आ गया होगा। अब इस पे बेस्ड एक सेक्शन दिखाता हूँ जो ऑलरेडी आ चुका है। अब इस सवाल को देखो, ये मिरर स्क्रीन के सामने लगा हुआ है, हम मिरर को थीटा एंगल से घुमा रहे हैं, हमें पता करना है कि ये पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट स्क्रीन के ऊपर कितना होगा, ठीक है ना। तो एडिंग है बेस्ड ऑन स्मॉल एंगल, यानी स्मॉल एंगल मतलब हम जो एंगल रखेंगे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इस टाइप का एंगल रहेगा और हमें पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट पता करना है। अब ध्यान से देखना कैसे करके इसको पता करते हैं। तो तरीका ये कि हम मिरर को अगर थीटा एंगल से घुमाएंगे तो ऐसे सिचुएशन में रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा एंगल से घूमेगी। तो डायग्राम अगला ये रहा कि हमने मिरर को थीटा एंगल से घुमाया और रिफ्लेक्टेड रे उसके डबल एंगल से घूम गई, हमें इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट पता करना है। तो पहले रे यहाँ टकरा रही थी, अब थीटा से घुमाने के बाद जब रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से घूमी तो ये रे फाइनली इससे टकरा रही है और इसका डिस्प्लेसमेंट ये हो गया। कैसे निकालोगे? राइट एंगल ट्रायंगल की तो प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो tan 2 थीटा इक्वल्स टू एक्स बाई टी। अब थीटा मैंने कैसा बोला, स्मॉल है, तो थीटा स्मॉल है, तो कल भी तो आप इंटरफेरेंस में यही कर रहे थे, tan थीटा को थीटा डाल दिया। तो अगर लार्ज है तो ऐसे ही रहने दो, और अगर स्मॉल है तो आप tan थीटा की जगह या sin थीटा की जगह थीटा यूज कर सकते हो, और फाइनली डिस्प्लेसमेंट आ गया डी टाइम्स 2 थीटा। तो ये वो तरीका है जिससे आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। एग्जाम्पल ये रहा, कहता है हमने मिरर को, ये मिरर यहां पर लगा हुआ है समथिंग अराउंड 1 मीटर, या फिर मैं इसको ले लेता हूं 1.8 मीटर की दूरी पर, ठीक है ना। अच्छा, वी हैव टू फाइंड आउट दिस डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्प्लेसमेंट इफ मिरर इज रोटेटेड बाय थ्री डिग्री।
तो मिरर को अगर हम 3 डिग्री से रोटेट करें तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो चलो, तो ये टोटल एंगल हमारे पास आ गया 6 डिग्री। अब छोटा सा ही एंगल है, ठीक है ना, और टेन थीटा की वैल्यू हम थीटा रख सकते हैं, पर एक चीज में गड़बड़ होती है स्टूडेंट से, वो दिखाऊं क्या होती है। तो एक्स बाई डी की वैल्यू टेन थीटा हो गई, मतलब एक्स की वैल्यू होगी डी टाइम्स थीटा, डी की वैल्यू तो एज इट इज 1.8 थीटा, थीटा है 6 डिग्री, डिग्री में नहीं डालना, रेडियन में डालना है, तो डिग्री में बच्चे डाल देते हैं उनसे यहाँ कहानी खत्म हो जाती है, नेगेटिव मार्किंग हो जाती है, आंसर नहीं आता उनका। तो अगर आपको प्रॉपर सवाल करना है तो थीटा को डिग्री में नहीं, थीटा को रेडियन में डालना है, तो 6 × π/180 ये, तो इधर आ गया 100 और फाइनल आंसर एक्स का मेरे पास आ गया 3π/50 और यूनिट आ गया इसका मीटर। तो मेरे ख्याल से अब आपको आसानी से समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये सेक्शन था प्लेन मिरर का, जिसके अंदर मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर किए और कुछ और चीज़ें जो ट्रिक्स हैं वो मैंने टेस्ट के अंदर रखे हुए हैं, ताकि आप वहाँ पर पहले कुछ हाथ पांव मारो, फिर आप सॉल्यूशन देखो तो आपको और अच्छा समझ आए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन पर। ये हमारे पास आता है स्फेरिकल मिरर का। अब स्फेरिकल मिरर के अंदर सबसे पहले फोकल लेंथ का रिलेशन, ये थोड़ा सा नया है, इस पे हम सही से थोड़ा सा काम करेंगे। तो फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर या स्फेरिकल मिरर की फोकल लेंथ का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है r − r/2 cos i। यानी स्फेरिकल मिरर की फोकल लेंथ इंसिडेंस के एंगल के ऊपर डिपेंड करती है, तो अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए फोकल लेंथ अलग अलग होती है। इस एब्रेशन यानी गड़बड़ी को बोलते हैं स्फेरिकल एब्रेशन। तो आपको कहे सर हमने तो r/2 पढ़ा है, तो r/2 बिल्कुल सही है, बट वो सिर्फ और सिर्फ पैरेक्सियल रेस के लिए, उन रेस के लिए जिनका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बहुत छोटा होता है, यानी जो रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पास होती हैं। तो फॉर पैरेक्सियल रेस अगर आप इस रिजल्ट को वेरीफाई करोगे तो पैरेक्सियल रेस के लिए एंगल आई की वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी हो जाएगी, वेरी स्मॉल, और हम इसे क्लोज टू जीरो डाल देते हैं। कॉस जीरो की वैल्यू 1 हो गई और फोकल लेंथ का फॉर्मूला r − r/2 cos 0 की वैल्यू 1, फाइनल आंसर बचा मेरे पास r/2। तो r/2 सिर्फ और सिर्फ वैलिड है पैरेक्सियल रेस के लिए या उन रेस के लिए जिनका एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत छोटा होता है। तो अगर जिनका एंगल ऑफ इंसिडेंस लार्ज है उनकी फोकल लेंथ निकालने के लिए हम फॉर्मूला ये वाला यूज करेंगे, r − r/2 cos i। अब इस पे आप प्रॉब्लम देखो, तो प्रॉब्लम ये रहा, कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू 45 डिग्री है, तो लाइट आ रही है, ये मैंने नॉर्मल बनाई, नॉर्मल हमेशा आपको पता है सेंटर से पास करती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 है, हमें पता करना है कि ये किस जगह पर हिट करेगी, मतलब इसका फोकल लेंथ कितना होगा। वैसे मैंने कैलकुलेट किया हुआ है 0.3 r, बट फिर भी एक बार करते हैं, कैलकुलेशन आपको सिखाता हूँ। देखो, तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला हो गया r − r/2 cos 45। cos 45 की जगह मेरे पास आ गया 1/√2, तो r − r/√2। अब 1/√2 की जो वैल्यू होती है वो 0.707 होती है, बट 07 को छोड़ो, आप 0.7 ले लो, तो फोकल लेंथ की वैल्यू आ जाएगी r − 0.7 r, और फाइनल रिजल्ट आ गया 0.3 r। तो आप देख रहे हो ये जो रिजल्ट आ रहा है r/2 तो बिल्कुल नहीं आ रहा, 0.5 r नहीं आ रहा, उससे कम आ रहा है, और कितना कम आ रहा है वो मेरे पास आ रहा है कितना, 0.3 r। तो कुल मिला के कहानी ये है कि हमेशा केयरफुल रहना, फोकल लेंथ में सीधे ये नहीं चिपका दिया r/2 और आपका आंसर लेकर के चले आए, ये देखा ही नहीं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा था या बड़ा था। तो इस तरीके का सवाल एक बार IIT मेंस के अंदर आया हुआ था, इसलिए मैंने सेक्शन को यहाँ पर रखा ताकि आपको पता चल जाए। अब चलते हैं हम रूटीन वर्क पर। तो एक और छोटी सी चीज है, ये भी सुन लो, तो ग्राफ आप इसके किसी भी बुक से देख करके एज इट इज याद रख सकते हो। तो ग्राफिकल क्वेश्चन VU ग्राफ फॉर कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, ये रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज का ग्राफ है, और ये ग्राफ एक हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का या डिक्रीजिंग ग्राफ टाइप का रहता है। अब इस सिचुएशन के अंदर एक स्ट्रेट लाइन बनाई जो बिल्कुल इनको बीच में कट कर रही है। ये बीच में कट करने का मतलब समझो, ये वो जगह है जहां पर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट या पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट या इमेज का डिस्टेंस इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। कॉनकेव मिरर में ऐसी कौन सी जगह होती है जहां ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस बराबर होते हैं? कब बराबर होते हैं? तो जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं, तो उसकी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनती है, तो 2f। तो एक स्ट्रेट लाइन 45 डिग्री पर अगर हम बनाए और ये जाकर के इस ग्राफ को कट करती है, तो ये जगह और कुछ नहीं, ये हमारे स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और इस जगह पर कोऑर्डिनेट मिलेगा 2f, 2f। अब इसके बाद क्या होगा और इसके पहले क्या होगा? तो इस रीजन की तरफ पढ़े तो क्या होगा? इस रीजन की तरफ पढ़ने पर u की वैल्यू c से ज्यादा हो जाएगी, यानी इस रीजन में u ग्रेटर देन 2f हो जाएगा। अब कॉनकेव मिरर में अगर ऑब्जेक्ट को सेंटर के बियॉन्ड रखेंगे तो इमेज कहाँ बनती है? इन बिटवीन सी एंड एफ, तो इसलिए v की वैल्यू लेस देन 2f आ जाएगी, बट ग्रेटर देन f रहेगी।
इस रीजन में अगर आप निकलोगे तो इस रीजन में जाने पर अब v का वैल्यू ग्रेटर देन 2f हो गया, यानी इमेज बियॉन्ड सेंटर चली गई, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर आया, सेंटर और फोकस के बीच में, यानी u की वैल्यू लेस देन 2f बट ग्रेटर देन f। इन चीज़ के बारे में पूछा गया था, ये भी IIT मेंस के अंदर पूछा गया था, इसलिए मैंने इस ग्राफ को भी यहाँ पर रख दिया ताकि आपका दिमाग खुले, आपको ये चीज़ पता हो। तो 45 डिग्री पर लाइन अगर कट करी तो वो जगह सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, उसके इधर और इधर जाते ही या तो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर जाएगा या ऑब्जेक्ट इन बिटवीन फोकस और सेंटर आ जाएगा। तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जनरली बच्चे गलत करते हैं, इसलिए मैंने इस सवाल को यहाँ पर अब आपको सिखा दिया। अब चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट है, अब हमारे सिंपल प्रॉब्लम्स आते हैं जो मिरर, अच्छा स्फेरिकल मिरर के अंदर करना क्या क्या है। पहले तो मिरर फॉर्मूला, छोटे मोटे सवाल है वो प्रैक्टिस करने हैं, वो 10th क्लास से चले आ रहे हैं इसलिए मेरा कुछ खास इंटरेस्ट उसके अंदर नहीं है। इंटरेस्ट मेरा मैग्नीफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन में, उसके कंसेप्ट में आपको सिखाऊंगा, एक्सेल मैग्नीफिकेशन का शॉर्टकट मैं आपको दूंगा, ठीक है ना, और फिर मैं आपको रिलेटिव मोशन इन स्फेरिकल मिरर और डबल मिरर के प्रॉब्लम सिखाऊंगा। तो ये कुछ चीज़ें हम लोग स्फेरिकल मिरर के अंदर देखेंगे। अब देखो मिरर फॉर्मूला आप सब जानते हो, 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू। यहाँ से v की वैल्यू निकालोगे तो यू एफ अपॉन यू माइनस एफ, ये हमारा सिंपल तरीका रहता है। साइन कन्वेंशन जो बचपन से इस्तेमाल कर रहे हो वही यूज़ करने, इंसिडेंट वाली साइड जो भी चीज़ होगी वो नेगेटिव, पॉलिश्ड वाली साइड जो भी चीज़ होगी वो पॉजिटिव, ठीक है ना। तो ये सीखने और सिखाने का अब वो टाइम नहीं है, इतने टाइम में जनरली इतना तो सब पढ़े ही हुए होते हैं कि साइन कन्वेंशन इसके अंदर क्या रहते हैं। अब चलते हैं, अब हम चीज़ें सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखो ये कन्वर्जिंग रेज है जो आकर के मिरर पे टकरा रही है और इनका पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस यहाँ हुआ करता था, तो ये कन्वर्जिंग रेज जब जाकर के मिरर के पीछे प्रोड्यूस करने पर मिलती है तो इस जगह पर, अच्छा और ये कौन सी रेज है, रिफ्लेक्टेड तो है नहीं, ये इंसिडेंट रेज है, तो ये जिस जगह पर मिलती हैं उस जगह पर हम मानते हैं एक ऑब्जेक्ट है और ऐसे ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो जब भी आप क्वेश्चन के अंदर सुनो कन्वर्जिंग रेज आकर के मिरर या लेंस पे टकरा रही है, समझ जाना वर्चुअल ऑब्जेक्ट का केस अब आपके सामने आने वाला है। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो पहले हम यू एफ की वैल्यू लिखते हैं और फिर हमें जो निकालना है वो हम कैलकुलेट कर देंगे। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेरे पास हो गया +20, फोकल लेंथ, अब इसका फोकस इस साइड पर है तो इसलिए फोकल लेंथ का जो साइन आ गया या एफ का जो साइन आ गया वो आ गया मेरे पास -10। अब ऑब्वियसली बात है हमें v का वैल्यू निकालना है कि इमेज की पोजीशन कहाँ होगी, किधर इमेज बनेगी। तो v की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला लगाया हमने यू एफ अपॉन यू माइनस एफ, यू की जगह मैंने सब्सटीट्यूट किया 20, f की जगह आ गया -10, नीचे आ गया 20 -10, तो ऊपर आ गया बेटा -200, नीचे आ गया मेरे पास 30 और फाइनल आंसर आ गया -20/3 और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें 6.67 सेंटीमीटर। तो यानी फाइनल इमेज जो मिल रही है इसकी वो यहाँ पर मिल रही है, मतलब रिफ्लेक्टेड रेज फाइनली इस पॉइंट पर जाकर के कन्वर्ज होंगी और एक कैसी इमेज फॉर्म करेंगी, रियल इमेज फॉर्म करेंगी जो पोल से कितने डिस्टेंस पर होगी, 6.67 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर होगी। तो इसमें बस खाली ये सिखाना था कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट कब होता है, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट तब होता है जब रेज आकर के मिरर के या लेंस के ऊपर कन्वर्ज करती हैं और उनका पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस दूसरी साइड पर लाई करता है। अब चलते हैं हम इसके अप्लाइड कंसेप्ट पर जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आप सीखो मैग्नीफिकेशन, दो मैग्नीफिकेशन, देखो स्फेरिकल मिरर में सवाल मैग्नीफिकेशन के दाएं और बाएं कहीं जाएगा नहीं, और रिलेटिव मोशन, इसके अलावा कोई आपसे वो नहीं पूछने जा रहा जो मैंने अभी कराया, कोई नहीं पूछेगा, वो 10th क्लास में पूछ चुके यार तुमसे, यहाँ थोड़ा ना आकर के नीट एग्जाम क्लियर करवाना, वो तुमसे वी का फॉर्मूला पूछेंगे यू एफ अपॉन यू माइनस एफ, वो यहाँ इस तरीके का सवाल पूछेंगे जो मैग्नीफिकेशन के ऊपर बेस्ड होगा, ट्रांसवर्स या एक्सियल, उसके प्रॉब्लम को हमें हर हाल में करना आना चाहिए। अब सुनो, ट्रांसवर्स शब्द तब इस्तेमाल करते हैं जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, तो अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है तो ऐसे मैग्नीफिकेशन को बोलते हैं हम ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन। अब ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आपको रटा हुआ होना चाहिए, किसी भी बुक में इजीली अवेलेबल है, तो अगर आपने थोड़ी बहुत भी बेसिक थ्योरी पढ़ी होगी तो आपको ये फॉर्मूला जरूर मिला होगा। तो ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन से बहुत सारी चीज़ें आती हैं, अब क्या क्या चीज़ें आती हैं देखो, तो ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन का पहले फॉर्मूला I/O -V/U f/F-U, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, अब पहले तो चेक करो हमें पता क्या है, हमें कौन सी ऐसी रेशियो है जो पूरी तरह पता है। अब अगर हमें इमेज और ऑब्जेक्ट के साइज दे दे, हाइट दे दे, आप हाइट बोलो या साइज ऑफ इमेज बोलो, बात एक ही है, तो दैट मीन्स आपको ये चीज़ पूरी तरह पता है। अगर ये पता है तो यहाँ और यहाँ से हम डेटा को निकाल सकते हैं। अगर एफ और यू का वैल्यू दे दे तो हमें ये रेशियो पूरी तरह पता है, तो फिर हम वी और आई की वैल्यू को ऑप्टेन कर सकते हैं। तो सारा खेल इस बात पे डिपेंडेंट है हमें कौन सी चीज़ पूरी तरीके से पता है, वो सवाल के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो फिलहाल पहले फॉर्मूला याद करो, I/O
माइनस वी बाई यू एफ अपॉन एफ माइनस यू। अब इस मैग्निफिकेशन को यूज कैसे करना है, ठीक है ना, वो मैं आपको सिखाता हूं। तो प्रॉब्लम देखना, तो प्रॉब्लम ये रहा, इस तरीके का प्रॉब्लम एक्सपेक्ट करो कि आपसे नीट एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, क्योंकि ये उनका मतलब ठीक है, अच्छा सेक्शन है। मैं और दिखाऊं आपको तो और प्रॉब्लम आप देखोगे, तो अभी तो डर लगेगा, डबल मिरर है, ठीक है ना, डबल मिरर थोड़ा सा ज्यादा अच्छा हो जाता है मेडिकल के हिसाब से, बट सीखेंगे हम यहाँ पे। इसके बाद आप देखो एक्सेल मैग्निफिकेशन है, उसका शॉर्टकट है, ये आप प्रॉब्लम देखो, ठीक है ना, ये सारे के सारे एक से बढ़कर के एक प्रॉब्लम, इन पे काम करो ना, v बराबर यू एफ अपॉन यू माइनस एफ, में क्यों मेरा भी टाइम खराब करोगे, अपना भी टाइम खराब कर रहे हो, तो ये चीज सीखो जो सीखने वाली है, तो इस पे हम लोग काम करेंगे। अब चलते हैं, इसको मैं एक एक लाइन में करना सिखा दूंगा। और देखो इस तरीके के सवाल आपके नीट एग्जाम के अंदर रहते हैं, तो अब हम वापस से चलते हैं और पहले हम उसकी बेसिक कंसेप्ट सीख लेते हैं। तो हमारा जो प्रॉब्लम है वो ये रहा, ये कहता है कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ। तो मैं इसको डायग्राम को डिलीट कर दे रहा हूँ, एक बार वापस से हम फ्रेश तरीके से स्टार्ट लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन में डाटा अच्छी तरह समझना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना जरूरी है, ठीक है ना, रे ऑप्टिक्स आपसे तभी होगी जब आपको क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है वो अच्छी तरह आता होगा। तो कहता है कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, तो हमें फोकल लेंथ दे रखा है कॉनकेव मिरर का, विच इज 15 सेंटीमीटर, साइन हमने अपनी तरफ से लगा दिया माइनस साइन, फॉर्म्स इमेज ऑन स्क्रीन। अच्छा, इमेज जो बन रही है वो स्क्रीन के ऊपर बन रही है, और ऐसा तभी होगा जब इमेज रियल होगी। तो पहले हमने इधर डायग्राम लिया, ये कॉनकेव मिरर है और इसके सामने ये स्क्रीन है, इस स्क्रीन के ऊपर इमेज का फॉर्मेशन हमें करना है। तो हमने ये, अच्छा, और साइज ऑफ इमेज इज डबल द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो जो इमेज बन रही है वो इस तरीके से बनाई और इसका साइज डबल द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कर दिया, ऑब्जेक्ट को यहाँ समवेयर लोकेट कर दिया, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को ओ मार दिया। अब चीजें क्या क्या अवेलेबल है चेक करो, आपको आई और ओ का जुगाड़ दे रखा है, विद प्रॉपर साइन चलना है। साइन कैसे, जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है उसका साइन प्लस, जो नीचे है उसका साइन माइनस। तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर आप बोलते हो, बात एक ही सी है, प्लस ओ, साइज ऑफ इमेज माइनस का 2 times हो। अब कथा क्या है, कथा ये है कि हमें निकालना है u का वैल्यू एज वेल एज v का वैल्यू, ठीक है ना। अब हम ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अपने सामने रखते हैं, तो m ट्रांसवर्स इक्वल्स टू i by o माइनस v by u इक्वल्स टू f अपॉन f माइनस u। अब चेक करो, f तो पता है पर u नहीं पता, इसलिए ये फॉर्मूला लगाना बेकार है, ठीक है ना। अच्छा, हमें क्या क्या पता है, हमें i पता है और o पता है, दैट मीन्स हम ये यूज करने वाले हैं, इसे यूज करने से हमारे पास आधा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। अब v और u में से दोनों में से कुछ नहीं पता, ना v पता है ना u पता है, तो बेस्ट है कि अब इसे यूज करने के बाद f हम जानते हैं, तो f अपॉन f माइनस u यूज करते हुए हम u का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हमारी सवाल के अंदर अप्रोच रहेगी। तो अब सिंप्लीफाई करते हैं, और इसके स्फेरिकल मिरर के सवाल ज्यादातर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले से खत्म हो जाते हैं, और इसको लगाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बस प्रैक्टिस का मामला है, जितनी अच्छी प्रैक्टिस रे ऑप्टिक्स उतना बढ़िया। अब वैल्यू डाटा सब्सटीट्यूट करो इसके अंदर, सारी चीजें विद प्रॉपर साइन पुट करना, ठीक है ना। देखो आई, अच्छा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमने यू ले लिया और इमेज डिस्टेंस हमने वी ले लिया, इसको हम विद प्रॉपर साइन, साइन इसलिए क्योंकि हमें एक प्री डिफाइंड लोकेशन दे रखा है कि भाई ऑब्जेक्ट इधर होगा तभी इमेज इधर बनेगी, ठीक है ना। अगर ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में आ जाएगा तो इमेज वर्चुअल बनेगी, वर्चुअल यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर कभी फॉर्म नहीं होती। तो क्योंकि हमें सब चीज़ पहले से पता है, तो जो जो चीज़ें हमें पता है हम उनके साइन सब्सटीट्यूट करेंगे, फिर हमारे पास उनके मैग्नीट्यूड आ जाएंगे। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं इसकी, आई, आई की जगह आ गया माइनस टू टाइम्स ओ डिवाइडेड बाई ओ, ओ से ओ वाला पार्ट कैंसिल हो गया, माइनस वी की जगह आ गया माइनस वी, यू की जगह आ गया माइनस यू, एफ की जगह आ गया माइनस 15 डिवाइडेड बाय माइनस 15 प्लस यू। अब देखते हैं कितना रिजल्ट आता है, इसे सॉल्व करना तो बेकार है क्योंकि हमें दोनों में से कुछ नहीं पता, तो हम इसको और इसको आपस में इक्वेट कर लेते हैं। तो माइनस टू इक्वल्स टू माइनस 15 डिवाइडेड बाय माइनस 15 प्लस यू, चाहिए तो इसको यहाँ से उड़ाओ और क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो माइनस 30 प्लस 2u equals to 15, तो 2u की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 30 प्लस 15, 30 प्लस 15 हमारे पास हो गया 45, और u की बेटा वैल्यू आ गई 22.5 सेंटीमीटर। अब हमने u की वैल्यू ऑप्टेन कर ली, वंस वी हैव ऑप्टेन्ड u, अब v हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। अब v निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसको यूज कर लो, अब इसे और इसे इक्वेट करो, तो इसे इसे इक्वेट करोगे, ये माइनस माइनस गया, तो माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस v बाई u, ये माइनस भी यहाँ से कैंसिल हो गया,
वी हमें निकालना है, यू की जगह आ गया 22.5 और यहाँ से बेटा वी की वैल्यू आ गई 45 सेंटीमीटर। तो आपने देखा प्रॉब्लम आसान है, बस खाली हमारी टेक्निक सॉलिड होनी चाहिए और हमें उसके बारे में पता होना चाहिए सवाल के अंदर हमें अप्रोच कहाँ से लगानी है। अब इसी तरीके की और बहुत सारी चीज़ें जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और अच्छी क्लियर होना शुरू हो जाएंगी, बट आप इस तरीके का प्रॉब्लम एक बार अटैम्प्ट करो। अब आप क्या करना, सेम थोड़ा ना अटैम्प्ट करवाऊंगा तो कुछ ना कुछ चेंज करके दूंगा। इमेज जो बन रही है 3 times साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बन रही है, कैलकुलेट करो वी और यू के क्या क्या वैल्यूज आएंगे। एक और चेक कर लेना 4 times बन रही है तो क्या क्या हमारे पास वी और यू के वैल्यूज आएंगे। इस तरीके के प्रॉब्लम में आपका हाथ सेट होना 100% जरूरी है, हल्के में नहीं लेना, आपको अभी के अभी करना है, ठीक है ना, वरना फिर जिंदगी मजाक हो जाएगी। तो इसको अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिस में लाओ फिर आगे मूव करो। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट है डबल मिरर। अब देखो डबल मिरर में क्या होता है, थोड़ा जिगर कलेजा मजबूत होना चाहिए आपका, क्योंकि डबल मिरर थोड़ा सा लेंथी सिस्टम होता है और इसके अंदर अगर आपको सिंगल मिरर ही नहीं आता तो डबल मिरर कहां से यार एक्सपेक्ट करोगे कि डबल मिरर आ जाएगा। इसमें बड़ा सीक्वेंस बना के चलना होता है। ये कहता है कंसिडर फर्स्ट रिफ्लेक्शन एट M1। तो इसमें क्वेश्चन में गिवन होता है, ये प्री डिफाइंड होता है कि पहला रिफ्लेक्शन किस पे लेना है और अगला किस पे लेना है। तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन एट M1 इसका मतलब है कि M1 में हम उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने जा रहे हैं, वो इमेज अगले के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी और फिर हम फाइनल इमेज को लोकेट करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मिरर वन के बारे में सारा डाटा स्कैन कर लेते हैं। मिरर वन के लिए क्या क्या डाटा हमारे पास अवेलेबल है, बहुत ध्यान से हमें साइन कन्वेंशन अप्लाई करने पड़ेंगे। मिरर वन के लिए ये इंसिडेंट वाली साइड हो गई तो ये नेगेटिव, ये पॉलिश्ड वाली साइड हो गई तो ये पॉजिटिव। पहले सारा डाटा विद प्रॉपर साइन लिख लो। मिरर वन के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया -30, मिरर वन की फोकल लेंथ हो गई -20, मिरर वन के लिए साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया +1 millimeter। अब हमें पता क्या क्या करना है, हमें इसकी इमेज की पोजीशन और साइज ऑफ इमेज निकालना है। तो चलाएंगे हम ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। फॉर्मूला आई थिंक अब आपको याद होना चाहिए, मैं डाटा सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। आई हमें पता नहीं, ओ हमें बिल्कुल पता है, 1 millimeter इक्वल्स टू -, वी हमें नहीं पता, V1 कर ले रहा हूं, यू की वैल्यू हमें डेफिनेटली पता है -30 equals to f upon f minus u, f हो गया -20 divided by -20 plus u की जगह आ गया मेरे पास, ये plus इसलिए आया क्योंकि minus minus plus हो गया 30। अब इसको यहीं सिंप्लीफाई करो क्योंकि एग्जाम में हमारे पास ज़्यादा जगह नहीं होगी, जितना होगा उतने में ही स्पेस में हमें सारा काम करना है और थोड़ा केयरफुली करना है, यहाँ गलती होगी तो गए काम से। तो नीचे बचा 10, फाइनल आंसर आया -2। अब देखो एक लाइन में धड़ाधड़ सारी चीज़ें आएंगी, आई की वैल्यू या आई वन की वैल्यू, तो इमेज का फर्स्ट इमेज का साइज -2 mm आ रहा है, इसका मतलब इमेज नीचे की तरफ बन रही है। फर्स्ट इमेज की पोजिशन -60 cm है, माइनस साइन यानी फर्स्ट इमेज मिरर नंबर वन के फ्रंट में है। अब इसे लोकेट करते चलते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां से इसके पोल से 60 cm सामने की तरफ यानी नेगेटिव वाली साइड की तरफ है, पर 50 तो ये हो गया, इसका मतलब ये 10 cm इधर है। अब 10 cm इधर होने का मतलब ये निकला कि ये इसके लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी, पॉइंट मेरा समझ आया। और ये इमेज ऊपर नहीं बन रही, नीचे की तरफ बन रही है, तो ये आई वन आया और इस आई वन का वैल्यू मेरे पास आ गया 2, साइज मेरे पास आ गया 2 millimeter और यहाँ से इसका डिस्टेंस आ गया, कितना डिस्टेंस ये हुआ टोटल 60 cm। तो आई वन मिरर टू के लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब हम शुरू करते हैं मिरर टू की कहानी। इसके लिए सारा डाटा लिखना पड़ेगा U। तो मिरर 2 के लिए जब हम डाटा स्कैन करेंगे तो हम उसके पोल से कंसिडर करेंगे और जो भी साइजेस होंगे उसके प्रिंसिपल एक्सिस से लेंगे। मिरर 2 के लिए साइन कन्वेंशन वापस से लेना पड़ेगा, ये इसकी इंसिडेंट साइड नेगेटिव, ये पॉलिश साइड पॉजिटिव। यू की वैल्यू, तो यू की वैल्यू इसके लिए हो गई +10, फोकल लेंथ इस मिरर की +15, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, अब वो जो आई वन है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया -2 mm। अब हम इसका ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपने देखा ना, इसलिए मैंने बोला तो थोड़ा जिगर कलेजा मजबूत होना चाहिए, कमजोर दिल वाले होंगे बेचारे हिल गए होंगे, ठीक है ना, थोड़ा संभाल करके करना। और अगर बहुत डर लगता है रात के 12 बजे मत पढ़ना, पता चले हार्ट अटैक आ गया तो डर के हमारी हालत खराब हो गई। तो इस तरीके की चीजें करने के लिए थोड़ा मजबूत होकर के अच्छी तरह कंसेप्ट बना करके फिर प्रैक्टिस करना। तो एम ट्रांसवर्स की वैल्यू हम निकालते हैं, तो m ट्रांसफर्स की वैल्यू निकालोगे तो लगाया हमने फॉर्मूला i बाई ओ, i हमें नहीं पता फाइनल इमेज, o की वैल्यू होगी -2 mm इक्वल्स टू -v, v हमें नहीं पता फाइनल इमेज, और नीचे आ गया हमारे पास u की जगह मेरे पास आ गया +10 और फाइनल रिजल्ट है f अपॉन f -u, f की वैल्यू होगी 15,
अपॉन 15 माइनस यू, यू की जगह मेरे पास आ गया 10, इसको यही सिंप्लीफाई करो, नीचे 5 आया तो दैट मीन्स इधर 3 बचा, हो गया खेल खत्म इसका। तो I2 की वैल्यू आ रही है माइनस 6 मिलीमीटर और V2 की वैल्यू बेटा यहाँ से मेरे पास आ रही है माइनस का 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये निकला कि जो फाइनल इमेज है वो इसके पोल से 30 सेंटीमीटर इधर, तो 30 सेंटीमीटर इधर भागेंगे तो ये तो 20 बचा, यानी इधर साइड कहीं पर आई, तो यहाँ से 30 सेंटीमीटर इधर। कोई आपसे ये नहीं कह रहा रे डायग्राम बना के तो हम उसके नंबर दे रहे हैं, ये हम बस खाली अपनी तसल्ली के लिए बना रहे हैं। और कितना नीचे, 6 मिलीमीटर नीचे, तो ये I2 की वैल्यू आई और ये I2 यहाँ से 6 मिलीमीटर नीचे। ये देखो ये होता है सवाल। तो इस तरीके का सवाल अगर आपको लगाना आता है तो आपका ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का कंसेप्ट मस्त है। अब उम्मीद है नहीं आता, ठीक है ना, मान के चलो नहीं आता, तभी तो तैयारी कर रहे हैं, आता होता तो फिर अंदर नहीं बैठे होते जाके। तो अब आपका काम क्या है, पहले इस सवाल को अच्छी तरह प्रैक्टिस में लाओ, एक बार दो बार तीन बार जितनी बार चाहिए लगाओ, पर ये 100% ग्रिप में होना चाहिए क्योंकि ये ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का बेस्ट प्रॉब्लम है। तो ये ग्रिप में आया आप ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन में मास्टर हो जाओगे, ठीक है ना, फिर आप एक्सेल मैग्निफिकेशन की तरफ मूव करो, आपको बहुत अच्छा वो समझ आएगा। तो ऑप्टिक्स के अंदर ये सेक्शन 100% आपको आना चाहिए, आपका हाथ सेट होना चाहिए, तब आप आगे की तरफ बढ़ना पढ़ना बढ़ना आपका बेकार है। अब चलते हैं आगे। तो अब हम आते हैं एक्सेल मैग्निफिकेशन। देखो एक्सेल मैग्निफिकेशन में दो तरीके के कंसेप्ट होते हैं, एक जनरल एक्सेल मैग्निफिकेशन, एक शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट। अब देखो जो जनरली बुक का कंसेप्ट है वो बहुत लेंदी है, मेरे पास इसका शॉर्टकट है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो हमने एक ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रख दिया, ऐसे सिचुएशन में जो मैग्निफिकेशन होता है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, या तो इमेज छोटी या बड़ी दिखाई देगी, वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है। अब जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इसकी इमेज इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब ऐसे है तो ऐसे इन्वर्ट होकर के बनेगी, तो बी इधर है तो बी की इमेज इधर बनेगी पहले और ए की इमेज बाद में। अगर ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है तो इमेज बियॉन्ड सी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और बड़े साइज की बनेगी, वही बेसिक प्रॉपर्टी फॉलो करेगी जैसा ट्रांसवर्स में करती थी। अब अगर आप इसकी एक्सियल इमेज का साइज निकालना चाहते हो तो ये एक्सियल इमेज का साइज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सेल मैग्निफिकेशन यूज करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। एक्सेल मैग्निफिकेशन निकालने का मेरा तरीका है कि इन दोनों पॉइंट्स का हम ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं। ये डायरेक्ट शॉर्टकट है, इससे बहुत लंबा सवाल सिर्फ एक लाइन में कंप्रेस हो जाता है। तो दोनों पॉइंट का ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन निकालने के लिए फॉर्मूला वही सिंपल, एफ अपॉन एफ माइनस यू वाला यूज करेंगे, दूसरे का ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन निकालेंगे। तो एक्सेल मैग्निफिकेशन दोनों ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का प्रोडक्ट होता है। वंस यू हैव ऑब्टेन एम एक्सेल, अब एम एक्सेल कोई भी मैग्निफिकेशन होता तो वही है साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जब हम एक्सेल मैग्निफिकेशन को साइज ऑफ एक्सेल ऑब्जेक्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उसकी एक्सेल इमेज का साइज मिल जाएगा। तो इस आई एक्सेल को निकालने के लिए एम एक्सेल को हम इस ओ एक्सेल यानी एक्सेल ऑब्जेक्ट के साइज से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इसकी इमेज का साइज मिल जाएगा। तो ये सिंपल तरीका होता है जिससे हम एक्सेल मैग्निफिकेशन को एक लाइन में कर सकते हैं। अब इन जनरल मेडिकल में जो आता है वो एक्सेल मैग्निफिकेशन फॉर शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट आता है। शॉर्ट ऑब्जेक्ट मतलब जिसमें इसका ऑब्जेक्ट का साइज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के कंपेरिजन में बहुत छोटा हो, तो उसको मैं यहाँ मॉडिफाई कर रहा हूँ। तो फॉर शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट, तो किसी शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट के लिए जब आप काम करोगे तो ऐसे में ये जो पहला और दूसरा पॉइंट है ये अलग अलग नहीं माने जाएंगे, क्यों कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये 12 सेंटीमीटर है तो ये उसके सामने 1 मिलीमीटर मिलेगा। तो इस तरीके से करके आप वेरीफाई कर सकते हो कि ऑब्जेक्ट शॉर्ट साइज का है या लॉन्ग साइज का है। तो अगर ऑब्जेक्ट शॉर्ट साइज का है तो फॉर शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट एम टी ए और एम टी बी का वैल्यू ऑलमोस्ट सेम होगा और एम एक्सीएल का वैल्यू एम ट्रांसवर्स का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर इसलिए क्योंकि दोनों पॉइंट्स का मैग्निफिकेशन ऑलमोस्ट सेम वैल्यू का आएगा। तो यहाँ ये रिजल्ट और ज़्यादा आसान हो जाता है, मतलब ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन निकालो स्क्वायर करो तो आपको एक्सेल मैग्निफिकेशन का वैल्यू मिल जाएगा। और अगर ऑब्जेक्ट की लेंथ अच्छी खासी है तो दोनों पॉइंट का ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन निकालो मल्टीप्लाई करो आपको एम एक्सेल की वैल्यू मिल जाएगी। अब प्रॉब्लम देखते हैं। तो इस पे जो प्रॉब्लम है वो इस तरीके का प्रॉब्लम है, ये एससीवी का प्रॉब्लम है जो मैंने यहाँ पर उठा करके रखा हुआ है। आप जरा चेक करो, ऑब्जेक्ट जो है प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर भी है एज वेल एज पैरेलल भी है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ऐसा क्वेश्चन जनरली ज़्यादातर बच्चे छोड़ देते हैं, उनके बस का नहीं होता। अब हम लोग अगर लास्ट मोमेंट पर इस प्रॉब्लम को कर ले गए तो आप ये समझो एक ही सवाल के अंदर आप ट्रांसफर भी सीख गए, एक्सेल भी सीख गए, दैट मीन्स आपका स्फेरिकल मिरर पूरा ग्रिप में आ गया। प्रैक्टिस करने के लिए टेस्ट है ही आपके पास। अब हम इसका सिंप्लीफिकेशन देखते हैं।
अच्छा करेंगे क्या, सबसे पहले वेरीफाई करेंगे साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा है या छोटा है। तो वो ऑब्वियसली ये 1 मिलीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है, तो शॉर्ट ऑब्जेक्ट है। तो हम फटाफट से एम ट्रांसवर्स का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है ना। एम ट्रांसवर्स हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताएगा। चलो पहले मैं निकाल लूँ, एम ट्रांसवर्स हो गया एफ अपॉन एफ माइनस यू। एफ की वैल्यू -15 डिवाइडेड बाय -15 प्लस माइनस माइनस प्लस 20, नीचे बचा बेटा 5 और आंसर आ गया -3। तो एम ट्रांसफर्स का वैल्यू मेरे पास -3 आया। अब मैं बताता हूँ एम ट्रांसफर्स से क्या क्या निकाल सकते हैं। एम ट्रांसफर्स को अगर हम ट्रांसफर्स ऑब्जेक्ट से मल्टीप्लाई करें तो उसकी इमेज का साइज मिल जाएगा। भैया एम ट्रांसफर्स का फॉर्मूला था क्या, एम ट्रांसफर्स था आई बाई ओ। कौन सा आई, जो ट्रांसफर्स हो जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, और ये किसके बराबर था, वी बाई यू। यानी एम ट्रांसफर्स एक साथ दो चीज़ें दे जाएगा, वी की वैल्यू भी दे जाएगा, ट्रांसफर्स इमेज का साइज भी दे जाएगा। तो अगर मेरे को इसकी ट्रांसफर्स इमेज का साइज निकालना होगा तो मैं कुछ नहीं करूँगा, ट्रांसफर्स मैग्निफिकेशन को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैंने इसकी इमेज यहाँ पर इन्वर्टेड बनाई। इन्वर्टेड इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्ट सेंटर और फोकस के बीच में है। अच्छा, इन्वर्टेड एक्सियली भी इन्वर्टेड होगी, तो यहाँ इमेज आएगी पहले आर की, यहाँ जाएगी क्यू की, क्यू के नीचे इमेज आ जाएगी पी की, एंड इधर इमेज आ जाएगी एस की। तो अगर मेरे को पी क्यू की इमेज का साइज निकालना है तो इस एम ट्रांसफर से हम इसके ऑब्जेक्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइज हमारे पास आएगा 3 मिलीमीटर। सिमिलरली इसके लिए भी हम ट्रांसफर्स मैग्निफिकेशन से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइज हमारे पास अगेन 3 मिलीमीटर। अब हमें चाहिए ये वाला साइज इसके लिए हमें चाहिए होगा एक्सियल मैग्निफिकेशन। अब हम आते हैं एम एक्सियल पर। तो एम एक्सियल हो गया एम ट्रांसफर्स का स्क्वायर मतलब 9। इस बात का मतलब ये निकला कि जो ऑब्जेक्ट एक्सियली रखा हुआ है उसकी इमेज 9 टाइम्स उसके साइज की होगी। तो इसका साइज कितना है, 1 मिलीमीटर। तो इसकी इमेज का जो साइज हो गया वो हो गया 9 मिलीमीटर। अब आप देखो सवाल कितनी जल्दी खत्म हो गया, सिर्फ 2 स्टेप लगानी थी। एम ट्रांसवर्स निकाला, स्क्वायर मार के एम एक्सएल निकाला, जो ट्रांसवर्स है उसे ट्रांसवर्स से मल्टीप्लाई किया, जो एक्सएल ही है उसे एक्सएल से मल्टीप्लाई किया, और हमारे पास सारी इमेज के साइज आ गए। तो इससे आसान और कुछ नहीं हो सकता, पर इससे मुश्किल भी कुछ नहीं हो सकता। जिसको आता है उसके लिए आसान है, जिसको नहीं आता उसके लिए मुश्किल कंसेप्ट है। तो ये आने के बाद तो जबरदस्त कॉन्फिडेंस आ जाता है, हाँ भाई अब तो हम एक्सेल और ट्रांसफर एक साथ एक सवाल के अंदर करके आ सकते हैं। तो ये एसीवी का सवाल मैंने यहाँ कंप्लीट किया, आई थिंक अब आपको आ जाना चाहिए। अब नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं। ये है इसके कुछ पेटेंटेड प्रॉब्लम। तो इन जनरल जब भी इसमें से प्रॉब्लम आए हुए हैं तो कुछ इस तरीके के प्रॉब्लम आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगे। जैसे इस प्रॉब्लम को देखो, मतलब पेटेंटेड आया तो यही आना है, वर्ड टू वर्ड यही आता, मॉडिफाई नहीं होता। प्रॉब्लम कह रहा शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट, आप खुद ही चिल्ला दिया कि शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट है, मतलब उसका साइज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। उसकी लेंथ बी दे रखी है, लाइज अलोंग द एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर, एक्सिस पर रखा हुआ है तो एक्सेल मैग्निफिकेशन है। फोकल लेंथ एफ है, डिस्टेंस यू है, द साइज ऑफ इमेज। तो क्या करोगे, एम ट्रांसफर्स निकाला, स्क्वायर मार करके एम एक्सएल आ गया, एम एक्सएल की वैल्यू ये आ गई, ओ एक्सएल से मल्टीप्लाई किया, बी से मल्टीप्लाई किया और इमेज का साइज आ गया, और सीधे आंसर टिक मारा बी अपॉन एफ माइनस। अच्छा, अब यहाँ पर एफ माइनस यू या यू माइनस एफ होल स्क्वायर है तो फर्क नहीं पड़ता उससे। अच्छा, इसी तरीके से अब आप इस सेक्शन को देखो, ये भी फिर से क्योंकि अभी इसका प्रॉब्लम आप आगे देखोगे तो नीट 2018 के अंदर आया हुआ था। तो रिलेटिव मोशन इन स्फेरिकल मिरर, अब प्लेन मिरर का तो आप अभी सीख करके आए स्फेरिकल। अच्छा, प्लेन मिरर में टेक्निक क्या थी, वी आई एम लिखते वक्त हम लोग SRT लगाते थे, यहाँ पर भी वी आई एम लिखते वक्त हम कुछ एक नया तरीका लगाते हैं। तो VIM का मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। डिफरेंशिएशन से ये सारी चीज़ आती है, आपको नहीं करना, आप सिंपल रिजल्ट याद रखो कि VIM का जो वैल्यू होता है, अब देखो फिर से वही आ गया एम ट्रांसफर्स। इसलिए मैंने कहा ना, हमारा पूरा स्फेरिकल मिरर ऐसा जबरदस्त कंट्रोल में आता है, एम ट्रांसफर्स जिसको आ गया वो बिल्कुल नचा देता है स्फेरिकल मिरर के सेक्शन को। तो एम ट्रांसफर्स का होल स्क्वायर टाइम्स VUM, तो यहाँ SRT नहीं करना, ठीक है ना, साइन रिवर्स टेक्निक नहीं करना, यहाँ पर हम एम ट्रांसफर्स का स्क्वायर करेंगे। वहाँ क्यों SRT करना था, प्रूफ दे देता हूँ। प्लेन मिरर था, साइज ऑफ इमेज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर होता था, तो एम ट्रांसफर्स की वैल्यू 1 हो जाएगी और साइन देख लो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर SRT नहीं करना, यहाँ पर माइनस एम ट्रांसफर्स का स्क्वायर इंटू VOM करना। तो स्टेप ऑफ वर्किंग क्या रहेगी, पहले हम VOM निकालेंगे, वो तो ऐसे ही आसानी से आ जाएगा VO माइनस VM करके, फिर हम निकालेंगे VIM। उसके लिए हमें चाहिए होगा एम ट्रांसफर्स, वो हमारा फॉर्मूला रेडी है एफ अपॉन एफ माइनस यू। एम ट्रांसफर्स आ गया, फट से हमने उसको वहाँ डाला, VIM आ गया, VI निकालने के लिए वही रिलेटिव वाला फॉर्मूला, VIO निकालने के लिए वही सिंपल फॉर्मूला, और यहाँ से हमारा रिलेटिव मोशन इन स्फेरिकल मिरर फटाक से खत्म हो जाएगा। अब सवाल देखो, तो ये पूरा फुल फ्लैश प्रॉब्लम है बट मैंने सॉल्व किया हुआ है। अच्छा देखो, स्टार्टिंग ही मैंने किससे करी, मैंने पहले MT निकाला कि यार बीमारी खत्म करो, MT निकालो ताकि आगे हमें सोचना ना पड़े। तो एफ अपॉन एफ माइनस यू किया, रिजल्ट आ गया -2। अब चीजें वैक्टर फॉर्म में लिख ली। अच्छा, वैक्टर लगाने की मेरे को इसलिए जरूरत नहीं पड़ी
क्योंकि ये एक्स एक्सिस की तरफ ही मोशन है, एक से ज्यादा एक्सिस होती है तो मैं वैक्टर लगा लेता, वैसे आप चाहिए तो आप लगा सकते हो, बनानी है उसमें। तो वी ओ हो गया 2 cm/s, वी एम हो गया 4 cm/s, फटाक से हमने वी ओ एम निकाला बाई यूजिंग वी ओ माइनस वी एम, आंसर आ गया आपके पास -2 cm/s। वी आई एम निकाला, फॉर्मूला लगा के -MT² × VOM एज इट इज सब्सटीट्यूट किया, मेरे पास वी आई एम का वैल्यू आ गया। वी आई एम आने के साथ ही अब रिलेटिव की तरह सवाल चलता है, वी आई निकालना है, वी आई एम प्लस वी एम किया, वी आई ओ निकालना है, वी आई माइनस वी ओ किया। अब आपको पता है ना आपका काम क्या है, कि आप एक बार इसको फटाफट से सॉल्व करोगे, फिर आप अगले सवाल की तरफ मूव करोगे। ठीक, अब मैं दिखाता हूं आपको, देखो नीट 2018 का प्रॉब्लम, तो ये 2018 का प्रॉब्लम इसी तरीके के ऊपर बेस्ड है, आप इसको कई तरीके से लगा सकते हो, मैं आपको बहुत सारे मेथड दे दूंगा इस प्रॉब्लम को लगाने के, जो पसंद आए वो लगा लेना। देखो पहले प्रॉब्लम क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 cm फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 cm। तो ये कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ इसकी 15 है, ये फोकस हो गया, सेंटर 30 cm के डिस्टेंस पर हो गया, और ऑब्जेक्ट यहां कहीं पर है बियॉन्ड सेंटर, और इधर से इसका डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमें दे रखा है 40 cm। अब आगे की कहानी बढ़ती है, इफ द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 20 cm, यानी ऑब्जेक्ट को मूव कराना है 20 cm, तो मूव तो भाई इधर भी करा सकते हो, इधर भी करा सकते हो, तो देखना पड़ेगा किधर कराना है, टुवर्ड्स द मिरर, टुवर्ड्स द मिरर मतलब आगे। अच्छा अब जरा चीजें पहचानो, 20 cm आगे ले चलना, तो ये तो डिस्टेंस था 30, तो इसका मतलब ये 10 हो गया, तो 10 यहां, तो 10 आगे ले आए, तो ये ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन, ये ऑब्जेक्ट का फाइनल पोजीशन, एंड ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट इज 20 cm। इसमें ऑब्जेक्ट अगर इधर है तो इमेज यहां बनेगी, और ऑब्जेक्ट जब सी और एफ के बीच में आ जाएगा तो इधर इमेज आ जाएगी, यानी इमेज इज मूविंग अवे फ्रॉम मिरर। तो इसमें से दो ऑप्शन तो वैसे ही रिजेक्ट हो गए जो टुवर्ड्स मिरर वाले थे, अब ले दे के बचे दो, अवे फ्रॉम मिरर, अवे फ्रॉम मिरर, तो 50-50 लाइफ लाइन तो आ ही गई। अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन किस तरीके से करेक्ट है। देखो नंबर ऑफ तरीके ये है कि हम एक काम करते हैं, इन दोनों पोजिशन का ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन निकाल के इनका एक्सेल मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं, इधर से लेंथ ऑफ इमेज निकाल लेते हैं, तो एक तरीके से ये लेंथ ऑफ एक्सेल इमेज का काम करेगी। और अगर ऐसे नहीं करना तो वी वन निकाल लो, वी वन यानी इसकी इमेज की पोजिशन निकाल लो, वी टू निकाल लो इसकी इमेज की पोजिशन, वी टू माइनस वी वन कर लो। तो दो तरीके मैंने आपको दिए, एक्सेल से भी कर सकते हो, वी से भी कर सकते हो। अब एक्सेल से हम इतने सारे सवाल कर चुके तो चलो वी वाले रिजल्ट से लगा लेते हैं, तो वी का फॉर्मूला हो गया यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। अब डेटा को सिंप्लीफाई करते हैं, U1 यानी इसकी पोजीशन वो हो गई -40 × -15 डिवाइडेड बाय नीचे आया -40 + 15, देखते हैं कितना रिजल्ट बन रहा है। तो V1 की वैल्यू आ गई +40 × 15 डिवाइडेड बाय माइनस का नीचे बचा हमारे पास 40 − 15, दैट मीन्स आ गया 25, तो 5 से कटा, 5 × 3 = 5, 5 × 5 = 8 आंसर आ गया 24, तो -24 cm। तो फर्स्ट इमेज की पोजिशन यानी यहां से I1 की दूरी हमारे पास आ गई और कितनी आ रही है 24 cm, और साइन इसका इधर नेगेटिव है नेगेटिव का मतलब आप जानते हो लेफ्ट साइड की तरफ बन रहा है। अब हम सिमिलर मैनर में V2 निकाल लेते हैं, सेम फॉर्मूला UF / U − F, U की जगह बेटा आप डालोगे यहां से यहां तक की दूरी, वो होगी 40 − 20, कितना बचा 20, तो रिजल्ट आ गया -20 − 15 − 20 + 15, तो ऊपर आ गया +20 × 15 डिवाइडेड बाय -5, आंसर आ गया -60 cm। तो V2 की दूरी यहां से 60 cm हो गई। अब कितना डिस्टेंस ही आवे मूव करा, तो डिस्टेंस मूव्ड बाय इमेज ये मेरे पास आ गया, और बड़े आराम से आ गया 60 − 24, आंसर बना ये 36 cm, और कहां की तरफ अवे, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इसमें करेक्ट हो गया। तो देखा ना मुश्किल नहीं है यार नीट का एग्जाम, बस थोड़ा सा कंट्रोल चाहिए आप आराम से पार हो जाओगे। फिर कौन कहता है फिजिक्स पढ़ो अगले साल जाकर के अपना बनो डॉक्टर, ठीक है ना, बट उसके लिए कम से कम अभी थोड़ी सी तैयारी कर लो जिससे नीट में अच्छे नंबर आ जाए। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट है हमारे पास, अब आता है स्नेल्स लॉ यानी रिफ्रैक्शन का कंसेप्ट। पहले स्नेल्स लॉ रिवाइज कर लेते हैं, तो मेरा स्नेल्स लॉ थोड़ा अलग तरीके से चलता है। मेरा स्नेल्स लॉ ये कहता है कि अगर लाइट किसी मीडियम में ट्रैवल कर रही है और नॉर्मल से थीटा एंगल पर टकरा रही है, तो म्यू साइन थीटा का प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट है। अब ये रिजल्ट मेरे को बड़ी हेल्प करता है मल्टीपल मीडियम में लगाने में, तो मल्टीपल मीडियम मतलब बहुत सारे मीडियम आपको दिखाई दे ही रहे हैं, तो इधर म्यू साइन थीटा लिखा तो म्यू 1 साइन थीटा 1, म्यू 2 साइन थीटा 2, म्यू 3 साइन थीटा 3 एंड अप टू सो ऑन। अब इसमें खास बात ये है कि एक जगह का जो रिफ्रैक्शन का एंगल है अगली जगह का वो इंसिडेंस बन जाता है, तो जब तक सर्फेसिस प्लेन पैरेलल है तो हर जगह का म्यू साइन थीटा आपस में बराबर मिलता चला जाएगा। तो अगर आपको
यहाँ का डाटा दे रखा है और यहाँ का एक्सेस करना है, आप डायरेक्ट दोनों को इक्वेट करके भी निकाल सकते हो। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, स्नेल्स लॉ में जब आप बुक वगैरह के अंदर लगाते हो तो म्यू वन साइन आई इक्वल्स टू, जैसे जनरली आपने ये एनसीईआरटी के अंदर आप इस तरीके से पढ़ोगे, म्यू टू साइन आर, आपने ये लगाया, यहाँ से रिजल्ट आया साइन आई बाय साइन आर इक्वल्स टू म्यू टू बाय म्यू वन। तो इसका भी एक बार नोटेशन चेक कर लेते हैं। म्यू टू बाय म्यू वन को बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू वन। तो मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू वन, और उसको लिखने का सिंबोलिक रिप्रेजेंटेशन वन म्यू टू होता है, ना कि टू म्यू वन। तो वन म्यू टू का मतलब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ म्यू टू विद रिस्पेक्ट टू म्यू वन। तो ये हुआ एनसीईआरटी के हिसाब से स्नेल्स लॉ लगाने का तरीका। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो बात ये है कि स्पीड ऑफ लाइट या फिर वेवलेंथ ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। तो अगर आप किसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट निकालना चाहते हो तो उसका फॉर्मूला सी बाय म्यू, वेवलेंथ निकालना चाहते हो किसी मीडियम में वो होगी लैम्डा बाय म्यू। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करती मीडियम चेंज करने पर, इसलिए मीडियम जब चेंज होता है तो कलर चेंज नहीं होता, ठीक है ना। वेवलेंथ और स्पीड तो चेंज होती है बट कलर का चेंज नहीं होता। तो कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम आपको इस फॉर्मूले पर भी मिल जाएंगे। अब हम आते हैं, आपने मेरे से ब्रूस्टर लॉ भी कुछ दिन पहले कल परसों ही पढ़ा था और वो हम लोगों ने पोलराइजेशन वाले टॉपिक के अंदर देखा था। तो बिल्कुल वैसे ही सवाल मैंने यहाँ फ्रेम किया हुआ है। अब सवाल पढ़ो। व्हेन लाइट इज इंसिडेंटेड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, सेम डाटा यही था, देन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। रिफ्लेक्टेड रिफ्रैक्टेड आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है भाई, बड़ी अच्छी बात है। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब एंगल पोलराइजिंग एंगल हो। तो आप स्नेल्स लॉ से भी चल सकते हो, नहीं चलना छोड़ो, आपको म्यू निकालना है, आप सीधे सीधे लगाओ म्यू इक्वल्स टू टेन आई पी, ठीक। नहीं लगाना मत लगाओ, आप इसमें म्यू वन साइन आई बराबर म्यू टू साइन आर कर लो, उससे भी काम बन जाएगा। इससे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा म्यू इक्वल्स टू टेन सिक्सटी, और यहाँ से बेटा आंसर आ गया हमारे पास रूट थ्री। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट वर्जन था जो ब्रूस्टर लॉ का फिर से मैंने इधर ऑप्टिक्स के अंदर कवर किया। अब चलते हैं आगे। अब जो आप देख रहे हो वो रियल एपरेंट डेप्थ का सिंपल कंसेप्ट है, फिर मैं इसमें एक ब्रह्मास्त्र दूंगा, ठीक है ना। वो मेरा तरीका मल्टीपल मीडियम को हैंडल करने का, उसमें आप चिड़िया तोता मछली उड़ा दो सवाल को, कोई दिक्कत नहीं आएगी कैसा भी मीडियम हो। फिलहाल पहले आसान सा वर्जन देखते हैं। तो कहानी ऐसी है कि एक ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को रेयरर मीडियम से देख रहा है, यानी हम एक पानी की बॉटल को बाहर से देख रहे हैं और उसका बेस जो होगा वो हमें थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। तो एक्चुअल डेप्थ यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है और इस दूरी को हम बोलते हैं एपरेंट डेप्थ, और ये जो शिफ्टिंग होती है इसको बोलते हैं एपरेंट शिफ्टिंग। तो अब रियल डेप्थ एपरेंट डेप्थ का रिलेशन क्या होता है? तो अगर ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है, ऑब्जर्वर रेयरर मीडियम में है, तो ऐसे में इमेज जो होती है वो सरफेस के पास शिफ्ट हो जाती है। और एपरेंट डेप्थ निकालने के लिए हम रियल डेप्थ को म्यू से डिवाइड करते हैं, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करते हैं। तो दो तरीके के कंसेप्ट यहाँ चलते हैं, एक तो डिवाइड मल्टीप्लाई वाला आसान सा कंसेप्ट, फिर आता है मल्टीपल मीडियम जहां मेरा ब्रह्मास्त्र काम करेगा। दोनों चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए, आप ध्यान से सीखना। अब चलते हैं अगले पर। अगर प्रोसेस उल्टा हो, ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में हो, ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में हो, तो ऐसे में इमेज दूर शिफ्ट हो जाएगी और इस हाइट को हम निकालेंगे जिसको हम बोलेंगे एपरेंट हाइट। उसे निकालने का तरीका म्यू इनटू रियल हाइट। तो अगर इमेज सरफेस के पास आती है तो डिवाइड करो, इमेज सरफेस से दूर जाती है तो मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना। तो ये सिंपल फंडा होता है डिवाइड मल्टीप्लाई करने का, बट ये तब तक कामयाब है जब तक दो मीडियम है, एक रेयरर और एक डेंसर। जब मल्टीपल मीडियम होते हैं तो डिवाइड मल्टीप्लाई करने में आफत आ जाती है, उसके लिए अलग तरीके हैं। तो पहले इसको सीखते हैं। अच्छा, ये तो फॉर्मूला हो ही गया। अब आते हैं हम इस सवाल पर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है और रियल एपरेंट डेप्थ का मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम है। इस टाइप का प्रॉब्लम स्टूडेंट से गलत होता ही होता है, ठीक है ना। तो ये कहानी ऐसी है कि एज इट इज वर्ड टू वर्ड यही आता है, कुछ और मॉडिफाई होके नहीं मिलेगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, देखो, फाइंड आउट हाइट अप टू विच लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 दे रखा है। इज फिल्ड इन बीकर ऑफ हाइट 21 सेंटीमीटर सच दैट व्हेन बीकर इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम आउटसाइड इट इज सीन हाफ फिल्ड। अब खेल बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप सीखो इसको। तो हमने एक बीकर ले रखा है, इस बीकर का हाइट 21 सेंटीमीटर है, कहते हैं पानी कितना भरे, सच दैट जब हम यहाँ से देखें तो हमें बीकर आधा भरा दिखाई दे, हाफ फिल्ड दिखाई दे या हाफ एम्प्टी दिखाई दे, बातें की है। तो हमने एक साइड तक पानी को भर दिया। अब जब हम यहाँ से देखेंगे तो हमें इस बीकर का बॉटम यहाँ नहीं दिखेगा, सरफेस के थोड़ा पास दिखेगा। तो फट से हमने इसकी इमेज बनाई, तो हमें बीकर का बॉटम जितनी दूरी पर दिख रहा है वो दूरी हो गई मेरे पास x बाय म्यू। अब जब हम यहां से देखेंगे तो इसको भूल जाओ, अब हमें ये आधा भरा और आधा खाली दिखाई दे, मतलब ये और ये बराबर हो। अब वो बोले नहीं 1/3 भरा दिखाई दे, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू इसकी 1/3 होनी चाहिए, ठीक है ना। तो 1/3 भरा दिखाई दे तो इसकी वैल्यू टोटल की 1/3 होनी चाहिए, ऐसे भी आप कर सकते हो।
अब मान लो वो बोले 1/4 भरा हुआ दिखाई दे, तो इसकी वैल्यू इस टोटल की 1/4 कर दो, ऐसे भी आप कर सकते हो। तो आधा खाली आधा भरा दिखाई दे मतलब ये दोनों आपस में बराबर हो, या इसकी वैल्यू इस पूरे की आधी दिखाई दे, बात दोनों से एक ही आएगी। तो मैं दोनों को इक्वेट कर देता हूं, तो एक्स बाई म्यू की वैल्यू मैंने 21 माइनस एक्स के बराबर डाली, एक्स की वैल्यू मेरे पास अवेलेबल थी 4/3 इक्वल्स टू 21 माइनस एक्स, एक्स वाला टर्म इधर ले आते हैं तो एलसीएम में आ गया 7x/4 इक्वल्स टू 21, तो एक्स की वैल्यू बेटा मेरे पास आ गई 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब वाटर उसमें 12 सेंटीमीटर की हाइट तक भरा हुआ होना चाहिए, ऐसा होने पर जब हम ऊपर से झांक करके देखेंगे तो हमें बीकर आधा भरा और आधा खाली दिखाई देगा। तो ये था आपका वाटर इन बीकर का कंसेप्ट। अच्छा, अब इसी सवाल को रिवर्स कर सकते हैं, मान लो वो आपको पानी की हाइट देते और कहते बीकर की हाइट बताओ, सच दैट आधा खाली आधा भरा दिखाई दे, तो सेम मैनर में आप इस तरीके से प्रॉब्लम को कर सकते हो। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था, एक बार आप ट्राई करो फिर आप आगे बढ़ना। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, एयर बबल इन ग्लास स्लैब। इसमें क्या होता है, इसमें ग्लास स्लैब के अंदर एक एयर बबल है, छोटा सा एयर का बबल कई बार रह जाता है ग्लास के अंदर। तो कहते हैं एक तरफ से झांक के देखने पर इसकी इमेज दिखाई देती है पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, दूसरी तरफ से झांक के देखने पर इतने डिस्टेंस पर दिखाई देती है, तो बताओ थिकनेस ऑफ स्लैब कितना है। तो ये मान लो ग्लास स्लैब है और ऑब्जेक्ट यहाँ पर लोकेटेड है, इस तरफ से इसका डिस्टेंस एक्स है और दूसरी साइड से इसका डिस्टेंस वाई है। अब हमें पता करना है कि थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब कितनी है। अब तरीका ध्यान से देखो, ये रे चली, हम बाहर से इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये रे जा रही है डेंसर से रेरर मीडियम, तो कहाँ मुड़ेगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो इस तरीके से ये अवे फ्रॉम नॉर्मल मुड़ी और इसकी इमेज हमें यहाँ पर दिखाई दी, ये इमेज हमें सरफेस के पास दिखाई दे रही है, यहाँ से देखने पर ये इमेज हमें सरफेस के पास दिखाई दे रही है और ये V1 के डिस्टेंस पर दिखाई दे रही है। तो V1 की जो वैल्यू हो गई वो हो गई एक्स बाय म्यू, क्योंकि इमेज सरफेस के पास आ गई, इधर से एक्स की वैल्यू मिल गई म्यू टाइम्स V1, ये हो गया एक साइड से। सिमिलरली फ्रॉम अदर साइड, तो जब आप दूसरी साइड से देखोगे इसी तरीके से जो इमेज दिखाई देगी वो V2 के डिस्टेंस पर दिखाई देगी और V2 का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा वाई बाई म्यू, तो वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई म्यू इंटू V2। अब हम एक्स और वाई क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें थिकनेस चाहिए, थिकनेस किसके बराबर है, एक्स प्लस वाई। तो अब थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब टी का वैल्यू विच इज एक्स प्लस वाई, और एक्स और वाई के वैल्यू यहां सब्सटीट्यूट कर दो तो म्यू टाइम्स V1 प्लस V2 हो गया, तो बन गया हमारे पास एक शॉर्टकट। तो अगर आपको थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब निकालना है सच दैट आपको दोनों तरफ से दिखाई देने वाली इमेजेस का लोकेशन पता है, तो म्यू टाइम्स V1 प्लस V2 करो, आपका आंसर आ जाएगा। अब सवाल पढ़ो। तो प्रॉब्लम का ये तो था पूरा का पूरा जनरलाइज रास्ता, जो आपको लास्ट मोमेंट पे रटा हुआ होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपको डिराइव नहीं करना। अब आगे देखो, व्हेन एयर बबल इन ग्लास स्लैब इज ऑब्जर्व फ्रॉम नियरर साइड, तो पास वाली एंड से देखने पर इट इज ऑब्जर्व एट डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर, तो उसका इमेज डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है, तो एक तरफ से देखने पर इमेज डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है, तो मैंने V1 की जगह 6 डाल दिया फ्रॉम वन सरफेस। नाउ इट इज ऑब्जर्व फ्रॉम फार्दर साइड एंड ऑब्जर्व एट डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर फ्रॉम सरफेस, तो दूसरी तरफ से देखने पर 8 सेंटीमीटर पर दिखाई दे रहा है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें 3/2 दे रखा है, पता हमें वही थिकनेस करना है, तो देखो एक लाइन के अंदर खेल खत्म हो गया, तो रिजल्ट आ गया 3/2 इंटू 14, आंसर आ गया 21 सेंटीमीटर। तो थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब इज 21 सेंटीमीटर, ये भी हमारा फिर से एक काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था जो रियल अपरेंट डेप्थ के कंसेप्ट के ऊपर था। अब मैं दिखाता हूँ मल्टीपल मीडियम, तो अगर मल्टीपल मीडियम है ठीक है ना, और यहाँ पर ऑब्जर्वर है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑब्जर्वर है, और हमें पता करनी है इसकी अपरेंट पोजीशन, मतलब इसकी इमेज हमें कहाँ पर दिखाई देगी, तो मेरा तरीका ये है कि अपरेंट पोजीशन ऑफ इमेज फ्रॉम सरफेस ठीक है ना, जिसको मैं डिनोट करता हूँ एक्स से, और इसको ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे, अपरेंट पोजीशन, अपरेंट वर्ड बोला तो मतलब हम ऑब्जेक्ट की इमेज देख रहे हैं, तो ऑब्जर्वर जब ऑब्जेक्ट की इमेज देखेगा तो उसको कहाँ पर इमेज दिखाई देगी, ये निकालने का तरीका है म्यू ऑब्जर्वर, यानी जिस मीडियम में ऑब्जर्वर है, टाइम सिग्मा एक्स बाय म्यू। तो ये एक सिंपल वन लाइन का तरीका है जिससे आप मल्टीपल मीडियम को उड़ा सकते हो, जैसे तो अपरेंट पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, मीनिंग समझना, ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट की इमेज सरफेस से कहाँ पर दिखाई देगी वो निकालने का तरीका है म्यू ऑब्जर्वर, यानी जिस मीडियम में ऑब्जर्वर है। अब पूरे एक्स बाय म्यू लेकर के नाप दो, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जितने एक्स बाय म्यू है सबका सम कर दो, तो x1 by mu1, x2 by mu2 and up to so on, xn by mu1 कर दो, आपको पता चल जाएगा ऑब्जेक्ट की इमेज कहां पर बन रही है, जिसको हम बोलते हैं apparent position, ना डिवाइड करना ना मल्टीप्लाई करना, ना ये सोचना दूर बन रही है ना ये सोचना पास बन रही है, आंसर सीधे। अब दिखाता हूं सवाल,
जैसे ये प्रॉब्लम देखो, तो मल्टीपल मीडियम का ये एक अच्छा सा प्रॉब्लम है, अब इसको उड़ाते हैं हम लोग, ठीक है ना। आ जाओ, तो एपरेंट पोजिशन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट की दूरी नहीं निकालनी, मैं बार बार बोलो ऑब्जेक्ट की दूरी तो नाप लो ना यार, सीधे सीधे उसी को तो बोलेंगे रियल पोजिशन। तो वो थोड़ा ना पूछ रहे कि रियल पोजिशन, वो पूछ रहे इसकी इमेज कहाँ दिखाई देगी। अब पंगे इतने कि जो इसमें डिवाइड करने बैठा कि यार रेयर अर्थ जा रही है, डेंसर जा रही है, इधर जा रही है, उधर जा रही है, उधर, उसका दिमाग खराब हो जाएगा। वो डिवाइड करते करते सुबह से शाम हो जाएगी, उसका आंसर नहीं आएगा, इससे एक लाइन में आएगा। तो बाहर आया म्यू ऑब्जर्वर, म्यू ऑब्जर्वर की जगह आ गया टू। अब हर जगह के एक्स बाय म्यू नापो, तो ये एक्स, ये इधर का म्यू, तो सिक्स डिवाइडेड बाय 6/5। नेक्स्ट 5 डिवाइडेड बाय 5/4। नेक्स्ट 4 डिवाइडेड बाय 4/3। और नेक्स्ट 3 डिवाइडेड बाय 3/2। देखो है ना, एक लाइन का काम कुछ नहीं करना होता है इसके अंदर। तो 2 टाइम्स इसको सिंप्लीफाई किया, ये आ गया 5 + 4 + 3 + 2। तो देखते हैं कितना आ रहा है, 2, 5 और 4 9, 9 9 10 11, 11 और 3 हो गया 14। तो फाइनल आंसर आ गया 28 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट की इमेज इस सरफेस से 28 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब हमें नहीं पता पास दिखाई दे रही है, दूर दिखाई दे रही है, वो पता करने का तरीका क्या है, टोटल जोड़ लो। तो 6 × 5 = 11 और 3 ये हो गया 14, 14 और 4 हो गया 18। तो 18 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट की रियल डेप्थ है। इमेज बन रही है 28 सेंटीमीटर पर, यानी यहां कहीं पर इमेज बन रही है, कितनी दूरी पर, 28 सेंटीमीटर पर। तो आप बताओ पास बनी या दूर बनी, तो दूर बन रही है। कितनी दूर बन रही है, इसी को बोलते हैं शिफ्टिंग, माइनस करके लिख लो, क्या याद करने की जरूरत है। तो शिफ्टिंग का वैल्यू हो गया 28 माइनस 18 सेंटीमीटर, आंसर आ गया मेरे पास 10 सेंटीमीटर। तो ये मेरा तरीका है जिससे मल्टीपल मीडियम को हम खत्म करते हैं। अब ऐसे बहुत सारे ब्रह्मास्त्र मैंने जो अपने वीडियो लेक्चर्स हैं या जो क्लासरूम कोर्सेज है उसके अंदर चलते रहते हैं। ऑप्टिक्स तो फिर ऑप्टिक्स ही है, बढ़िया सा चलता है, फेवरेट टॉपिक है। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब देखो ये चिड़िया तोता मछली वाला सवाल, निकल जाओ इसको, ठीक है ना। मछली को तेल में फ्राई करके खा जाते हैं, चलो देखते हैं। तो ये फिश है, इसकी डेप्थ दे रखी है 16 सेंटीमीटर, ये चिड़िया इधर उड़ रही है, ठीक है ना, और इसकी हाइट हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर। हमें पता करना है बर्ड को फिश की इमेज कहाँ दिखाई देगी और फिश को बर्ड की इमेज कहाँ दिखाई देगी। मेरे को ये बताओ ये क्यों देख रहे हैं, नहीं देखते तो अभी तो हमारा काम चल जाता, बट नहीं, इन्होंने हमारी ज़िंदगी ख़राब करनी है कि नहीं भाई बता के इसको, चिड़िया को क्या मतलब है मछली से कि ये मछली की इमेज देखे, नहीं भी देखती तो भी काम चल जाता, या देख करके चुप भी रह जाती तो भी काम चल जाता, बट नहीं हमें बताना है तभी हम आगे की तरफ बढ़ पाएंगे, नीट एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। तो खत्म करते हैं बता करके, आ जाओ। तो इस कहानी की अब आपको जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ साथ कैलकुलेशन करो। तो एपरेंट पोजीशन ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश, आप पहले मीनिंग समझो। इसमें बर्ड ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, तो पहले ऑब्जेक्ट हो गया, और ये फिश ऑब्जर्वर का काम कर रही है। अब मतलब इसका क्या है, फिश को, फिश ऑब्जर्वर, फिश को बर्ड की इमेज कहां दिखाई देगी, ठीक है ना। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जर्वर हो गया, बाहर क्या आएगा, म्यू ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कौन है, फिश। तो फिश का ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर टांगा। अब आप यहां से लेके वहां तक के, या वहां से यहां तक के एक्स बाय म्यू लगा दो, तो एक्स बाय म्यू लगाओगे तो इधर का एक्स बाय म्यू आ गया 16/4/3 प्लस 12/1। इस मेथड का फायदा ये है, मल्टीपर्पज है, ठीक है ना। ये इसको देखे या ये इसको देखे, एक्स बाय म्यू वाला डाटा दोनों के लिए सेम है, बस खाली अदल बदल जाता है तो बाहर का मीडियम। इससे कैलकुलेशन आसान रहती है। अब आप अपने तरीके से करते होगे, डिवाइड मल्टीप्लाई ये वो, उससे तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है ना, सोचना नहीं पड़ता। तो सिंप्लीफाई कर दें तो 4/3, और ये यहां से गया 4, इधर आ गया 12 + 12, ये हो गया 24, तो 4 × 24 / 3 8 जा, यानी 32 सेंटीमीटर। तो बर्ड को, नहीं सॉरी, फिश को बर्ड की इमेज अपने से 24 सेंटीमीटर 32 सेंटीमीटर की हाइट पर दिखाई दे रही है। तो इसकी एक्चुअल हाइट कितनी है, जरा यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं, 16 + 12 दैट मीन्स 28 सेंटीमीटर, और दिखाई कितना दूरी पर दे रही है, 32, तो शिफ्टेड कितना हो गई, 32 - 28, तो ये भी आप कर सकते हो। ओके, ये तो हो गया पहला पार्ट का सोल्यूशन। दूसरे पार्ट का रिवर्स मारते हैं, अपेरेंट पोजीशन ऑफ फिश एज सीन बाय बर्ड। अब बर्ड फिश को देख रही है, तो ऑब्जर्वर का काम बर्ड कर रही है, तो बाहर का मीडियम हो गया 1, बाकी एक्स बाय म्यू एज इट इज है, तो 12 + 12 दैट मींस 24। तो बर्ड को फिश की इमेज 24 सेंटीमीटर पर दिखाई दे रही है, यानी एक्चुअली में थी 28 पर और दिखाई 24 पर दे रही है, शिफ्ट हो गई 4 सेंटीमीटर।
हो गया ना खेल आसान। इसी तरीके से वेलोसिटी का कंसेप्ट भी कर सकते हो। तो अगर ये नीचे आया ये इधर आया तो इन्हीं चीज को एक्स बाय म्यू की जगह वी बाय म्यू बना लो तो वो रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट हो जाएगा। सेम फॉर्मूला एज इट इज आप अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे अपरेंट पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर लिखा, इसी तरीके से रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर लिखो, म्यू ऑब्जर्वर सिग्मा एक्स बाय म्यू की जगह वी बाय म्यू कर लो, तो उससे भी आपका रिजल्ट वन लाइन में आ जाएगा। अब चलते हैं ग्लास स्लैब के कंसेप्ट पर। अब ग्लास स्लैब क्या करता है, ग्लास स्लैब का काम क्या होता है? देखो, जब एक ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ हो और हम इधर से चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो तो ग्लास स्लैब क्या करता है, हमें वो चीज नहीं दिखाता जो एक्चुअल चीज होती है, वो उसकी इमेज दिखाता है। वो इमेज कुछ शिफ्टेड दिखती है और इस शिफ्टिंग का अगर हम फॉर्मूला याद कर लें तो ग्लास स्लैब के तकरीबन सारे सवाल कंप्लीट हो जाएंगे। इस शिफ्टिंग का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड फॉर्मूला, निकाल तो अपने ब्रह्मास्त्र से सकते हो जो मैंने अभी सिखाया, पर जरूरत नहीं है डिराइव करने की। तो शिफ्टिंग का फॉर्मूला होता है टी वन माइनस वन बाय म्यू, जहां टी हो गई थिकनेस और म्यू हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब। ये शिफ्टिंग किस तरफ होती है, ये शिफ्टिंग उस डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में रे ट्रैवल कर रही होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब रे देखो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है ना, और शिफ्टिंग भी लेफ्ट से राइट की तरफ हुई, तो जिस डायरेक्शन में रे ट्रैवल करती है ग्लास स्लैब उस डायरेक्शन में उसकी इमेज को शिफ्ट करा देता है, ठीक है ना। और शिफ्टिंग का फॉर्मूला याद कर लो तो इसने आगे की तरफ शिफ्ट करा दिया क्योंकि रे लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही थी। अच्छा, इसमें ऑब्जेक्ट रियल था, इमेज वर्चुअल है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जितना ये एंगल होगा उतना ये एंगल होगा, कारण इधर और इधर का मीडियम सेम है। अगर मीडियम सेम है तो दोनों एंगल भी सेम मिलेंगे, वो आप स्नेल्स लॉ से देख लो। तो अगर दोनों एंगल सेम हो गए इसका मतलब इंसिडेंट और इमरजेंट रे पैरेलल हो गई, और जितना ये इमेज एंगल लूप आउट करेगी उतना ये ऑब्जेक्ट एंगल लूप आउट करेगा। ये आईआईटी में पूछा गया क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको यहां पर बता दिया कि इंसिडेंट रेस का एंगल और इमरजेंट रेस का एंगल दोनों एंगल सेम मिलेंगे क्योंकि दोनों तरफ के मीडियम सेम है। अच्छा, अब देखो वर्चुअल का केस, ये शिफ्टिंग का तो मैंने बताई दिया आपको फॉर्मूला क्या होता है। अब वर्चुअल के केस में, वर्चुअल के केस में ये कन्वर्जिंग रेज आ रही थी, तो अगेन ये जो ग्लास स्लैब है अगर इनके बीच रास्ते में आ गया तो ये इसको वहां कन्वर्ज नहीं होने देगा जहां ये कन्वर्ज होना चाह रही है। ये कहां शिफ्ट कराएगा, ये उस डायरेक्शन में शिफ्ट कराएगा जिस डायरेक्शन में रे ट्रैवल कर रही है। तो अगर रे लेफ्ट टू राइट जा रही है थोड़ा और राइट की तरफ शिफ्ट करा देगा, यानी फाइनली इमेज जो बन रही है, जरा चेक करो, रियल इमेज बन रही है। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बना रहा है, रियल ऑब्जेक्ट ही वर्चुअल इमेज दिखा रहा है, शिफ्टिंग उस तरफ हो रही है जिस डायरेक्शन में रे ट्रैवल कर रही है। फॉर्मूला एज इट इज सेम है, टी वन माइनस वन बाय व्यू। अब आगे देखते हैं, अब आता है ये थिक मिरर का कंसेप्ट। तो थिक मिरर में दो सवाल आते हैं, एक तो ये कंसेप्चुअल, ठीक है ना, कि कौन सी इमेज ब्राइटेस्ट दिखाई देगी, और दूसरा न्यूमेरिकल कहां दिखाई देगी। तो दोनों के लिए मेरे पास दो रास्ते हैं, पहले तो कंसेप्चुअल समझ लो। तो जब हम मिरर में देखते हैं, थिक मिरर मतलब जो नॉर्मली जो घर के अंदर मिरर लगा होता है वो कोई पतली सी लकीर थोड़ा ना होती है पेपर के ऊपर हमने पेंट कर दिया, नहीं, थिकनेस होती है कुछ ना कुछ ग्लास की, फिर उसके ऊपर हम सिल्वर पेंट करते हैं। तो कोई भी थिक मिरर जो हमें इमेज दिखाता है वो इमेज में से कौन सी इमेज ब्राइटेस्ट होती है, सवाल ये है। तो सेकंड इमेज इज द ब्राइटेस्ट इमेज, जवाब सुनो। मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ खड़ा हुआ है, रे इधर से चली किसी भी सरफेस पर, आप ये मेरे से पोलराइजेशन में सीख के आए ना, ब्रूस्टर लॉ वही चीज है, किसी भी सरफेस पर रे पार्शियली रिफ्लेक्ट होती है और पार्शियली रिफ्रैक्ट होती है। तो ये पहली बाउंड्री पर रे रिफ्लेक्ट हुई और रिफ्रैक्ट हुई, रिफ्लेक्टेड रे की इंटेंसिटी 9%, ये तकरीबन अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट है ऑफ इंसिडेंट रे होती है। तो इसने जो इमेज बनाई, पहली इमेज बनाई, वो 9% ब्राइटेस्ट है, तो इसकी इंटेंसिटी बहुत डाउन होती है। अब रे आगे चली और फिर इधर से रिफ्लेक्ट हुई, अब कितनी रे इंटेंसिटी लेकर के आगे गई है, तो 91% इंटेंसिटी आगे ट्रांसमिट हुई है और यहां से रिफ्लेक्ट हुई और पीछे सेकंड इमेज बनी, वो 91% ब्राइटेस्ट है। तो सेकंड इमेज थिक मिरर में इज द ब्राइटेस्ट इमेज, पर हमें ये नहीं दिखाई देती क्योंकि ये रे अभी सरफेस से बाहर निकलना बाकी है। तो जब ये सरफेस से बाहर निकलती है तो हमें दिखाई देती है थर्ड इमेज, जिसकी इंटेंसिटी तकरीबन 81% होती है। तो हमें फर्स्ट ब्राइटेस्ट इमेज नहीं दिखाई देती, फर्स्ट ब्राइटेस्ट इमेज की जो इंटेंसिटी है वो है 91%। तो टोटल तीन इमेजेस बनी, फर्स्ट इमेज जिसकी इंटेंसिटी 9% सबसे कम ब्राइट, सेकंड इमेज सबसे ज्यादा ब्राइट, थर्ड इमेज उससे कम ब्राइट। तो हम जो इमेज देखते हैं वो हमारी सेकंड ब्राइटेस्ट इमेज होती है, मैक्सिमम ब्राइटेस्ट इमेज हमें दिखाई नहीं देती, ये पॉइंट ध्यान देना। तो अगर एग्जामिनर ने आपसे पूछा कि ये बताओ थिक मिरर में कौन सी इमेज सबसे ब्राइटेस्ट होती है, तो जवाब होगा सेकंड इमेज, ठीक है ना।
कौन सी ब्राइटेस्ट इमेज हमें दिखाई देती है, तो हमें मैक्सिमम ब्राइट से कम ब्राइट वाली इमेज दिखाई देती है, दैट मीन 81% इंटेंसिटी वाली इमेज हमें दिखाई देती है। दो क्वेश्चन है, दोनों बड़े जबरदस्त है, ज्यादातर बच्चों को नहीं पता होते इसलिए ये चीजें गड़बड़ करते हैं, तो इन रिजल्ट्स को आप याद करके रखना। पर मोस्टली 99% बुक्स के अंदर आपको मिलेगा मिरर के अंदर कौन सी ब्राइटेस्ट इमेज होती है, तो जवाब मिलेगा सेकंड ब्राइटेस्ट इमेज, तो जो ज्यादातर आता है हम उसी पे टिकते हुए चलते हैं, वही याद करते हुए चलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये आईआईटी का फिर से सवाल है, बट ये कई बच्चे डाउट सेशन में पूछ चुके हैं, हर जगह पूछ चुके हैं, तो मैंने बोला था समय आएगा मैं अपने आप बता दूंगा। अब देखो इसमें जिंदगी खराब हो जाती है, डिवाइड मल्टीप्लाई करते 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 मेरा एक लाइन का सिंपल तरीका उड़ा के रख देते हैं हम सवाल। बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं मेरे पास, सारे तो नहीं बता सकता, बट हाँ जितने आपके काम किए हैं वो सारे के सारे मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये मेरे पास एक थिक मिरर है जिसकी थिकनेस 3 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, हमें पता करना है हमें इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पर दिखाई देगी। तो मेरा शॉर्टकट ये है कि कोई डिवाइड मल्टीप्लाई करने की आपको ज़रूरत नहीं है, उससे सवाल एक लाइन का नहीं होगा, उससे सवाल पूरा 1 से 1.5 पन्ने लंबा खींच जाएगा। तो मेरा तरीका ये है कि प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी यूज़ करो, जो उसके सामने होगा उसको वह एज इट इज़ पीछे बना देगा। तो देखना, तो जो सामने है एज इट इज़ पीछे बना दो, तो आप देख रहे हो ना मैंने यहां पर एज इट इज सारी चीज पीछे बना दी। अब ऐसा लग रहा है, अब मिरर मैंने हटा दिया बीच में, अब ऐसा लग रहा है कि हम यहां से इसको देख रहे हैं और इसकी इमेज हमें दिखाई देगी। अब वो इमेज कहां दिखाई देगी, तो वो तो बीच में ग्लास स्लैब अटका हुआ है, तो ग्लास स्लैब क्या करेगा, इसको शिफ्ट कराएगा। कहां की तरफ शिफ्ट कराएगा, जिस डायरेक्शन में रे जा रही है, रे राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगी तो इसकी शिफ्टिंग आगे की तरफ हो जाएगी और हमें यहां पर फाइनली इमेज दिखाई देगी। शिफ्टिंग कितने ग्लास स्लैब है, 2 ग्लास स्लैब है, तो शिफ्टिंग हो गई 2 टाइम्स T(1 - 1/μ). अगर दोनों अलग अलग तरीके के होते हैं तो हम S1 + S2 लेते हुए चलते हैं। अब डेटा सिंप्लीफाई करते हैं, तो पहले शिफ्टिंग निकाल लेते हैं, टोटल 2 टाइम्स, थिकनेस इज 3, 1 - 1/μ, 1/μ हो गया 2/3, तो शिफ्टिंग की वैल्यू आ गई 2 सेंटीमीटर, मतलब इसने अपनी इमेज को 2 सेंटीमीटर आगे शिफ्ट कर दिया। तो अब सीन ये है कि इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज दिखाई देगी वो यहां से 2 सेंटीमीटर आगे दिखाई देगी। ये ऑब्जेक्ट यहां से 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर था, तो ये जो दूरी बची हमारे पास वो 10 सेंटीमीटर बची। अब हमसे क्या पूछा जाता है कि इस इमेज की दूरी बताओ, कहां से बताओ, ये क्वेश्चन में गौर कर लेना, पता चले ज्यादा खुश हो गए गलत करके चले आए तो पहले क्वेश्चन में गौर कर लेना। ये कहता पॉलिश्ड सरफेस से बताओ, तो ठीक है भाई बिल्कुल बता रहे, पॉलिश्ड सरफेस से यहां तक की दूरी नापो और बताओ, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया 3 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस कितना आ गया 10 सेंटीमीटर, तो डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पॉलिश्ड सरफेस इज 13 सेंटीमीटर। अब मिला लेना जाकर के आंसर, ये वन लाइन का मैंने आपको तरीका दिया जिससे आप थिक मिरर को उड़ा के रख सकते हो, ठीक है ना। तो ये भी फिर से बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम था जिसको हम लोग सिर्फ एक लाइन में करना सीखे। अब आगे सिखाता हूं। अब ये लीस्ट एक्सपेक्टेड है, बट कई बार क्या होता है ना, हम जो चीज छोड़ के जाते हैं वही आ जाती है एग्जाम में। अब ये मत कहना नहीं हमारे साथ ऐसा हमेशा ही होता है, सबके साथ होता है, तो इसको भी हम छोड़ के नहीं जा रहे। लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, फॉर्मूला बेस्ड है, याद करके चल रहे हैं। तो होता ये है कि यहां से आई इंसिडेंट रे, इधर गई इमरजेंट रे, इंसिडेंट और इमरजेंट के बीच में आप देख रहे हो कुछ शिफ्टिंग हो गई, कुछ इनके बीच में परपेंडिकुलर गैप आ गया। दिस गैप इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट, जिसका फॉर्मूला होता है T sin I - R / cos R। इसमें इसको एक्सपैंड करना ही पड़ता है साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगा के। तो साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब मैं सवाल दिखाता हूँ, तो प्रॉब्लम ये रहा, कहता है लाइट आई 45 डिग्री के एंगल पर टकरा रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इधर का √2 है, थिकनेस हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। अब पता लगा के दो लेटरल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। सबसे पहला काम हमें R की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इसके लिए हमने यूज़ किया स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ लगाया μ1 sin I = μ2 sin R। तो μ1 तो उधर का मीडियम हो गया 1 sin 45, μ √2 दे रखा है, तो R की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। अब लेटरल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला मैं अप्लाई करके दे रहा हूँ, टी मेरे पास है 10 सेंटीमीटर, साइन I की जगह हो गया 45 माइनस 30 डिवाइडेड बाय कॉस 30। अब साइन 45 माइनस 30 कर दिया, 15 बचा, 15 को कहाँ से लाओगे, तो इसलिए यहाँ पर जाकर के फंस जाते हैं, तो फिर हमें एक्सपेंड करना ही पड़ता है। तो Δt = 10 डिवाइडेड बाय कॉस 30। अब एक्सपेंड कर देते हैं तो ये हो गया साइन 45 साइन ए कॉस बी कॉस 30 माइनस कॉस 45 साइन 30।
तो इधर से अब आप आगे वैल्यू तो जानते ही हो, तो पुट करके आप डेल्टा टी नहीं डेल्टा एक्स की यानी लेटरल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करके दे सकते हो। तो मेरे ख्याल से अब आपको रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस तक का कंसेप्ट आ गया होगा। बेटा मेहनत कर लो थोड़ी सी, ठीक है ना, ऑप्टिक्स के सवाल आपसे होना शुरू हो जाएंगे, आपका हाथ नहीं अटकेगा। जितना मैंने बताया जो मैं टेस्ट में देता हूँ वो सारी चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कर गए तो तुम्हारा नीट इसी साल पार हो जाएगा, अगले साल का वेट नहीं करना है। और हमारा एम भी यही है, इस बार तो नीट पार करना ही करना है। ठीक, अब ऑप्टिक्स का पार्ट टू रहेगा कल, उसके अंदर मैं आपको टेस्ट के क्वेश्चंस बताऊंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने करने हैं। पार्ट टू के अंदर आपको पता है वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, किसी हाल में नहीं छोड़ना। तो अब आज जम के थोड़ी सी अपनी तरफ से प्रैक्टिस कर लो, फिर कल मैं आपको सवाल दे दूंगा। थैंक यू सो मच।